भाई हर चीज पहली बात तो फुटेज के लिए ही है। गैरी मुझसे लड़ा बाहर, रूपा मेरे से लड़ी बाहर, दिग्विजय से भी मेरी बहस हुई थी वो भी बाहर हो गया, प्रियंका मेरे से लड़ी, प्रियंका भी बाहर। आप इसे फ्लेक्स करते हो? हाँ भाई अभी भी मेरे ऋषभ का दोस्त थोड़ी, इसका बाप तो ऑटो चलाता है। तुमने नहीं अच्छे काम किए ही नहीं है कि तुम एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो। टेक्सटिंग हर, आई स्टार्टेड कॉलिंग मोर ऑफ। द डे वी हैड दैट आर्ग्यूमेंट, मैंने उसे अपने तुमने अकाउंट से रिमूव किया है। उन्होंने मेरे को बहुत गलत भी दिखाया। तुमने जिंदगी में कभी कर्म नहीं किया है, किया तुमने है, जिंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं। अच्छा कांडी तो होता ही नहीं है, इट इज गुड और बैड। हमारे शो पे तुम्हें फंसा दूंगा मैं। मेरे हिसाब से नहीं है वो चीटिंग, और टिल डेट मेरे हिसाब से नहीं है चीटिंग। मैं जो मर्जी कोई बोलता रहे, सोनू सर भी आके बोलते रहे, एमटीवी की टीम भी आके बोल दे, जिस सीजन में वाशु जीता है, बेइज्जती वाली बात है। पूरा करा कैरेक्टर असैसिनेशन पर नंबर आपने वन, क्यों डाला फिर? क्योंकि ऑब्वियस तुम कर्मियों की कांडी हो। मैं तो पांडी तो से वो फुटेज के लिए कर रहा था, चुप कैमरा पे था, पर ये आया नहीं। जेन्युइनली इतना इनका बॉन्ड होता तो शो में क्यों नहीं था। ऋषभ की गेम तो मैं कर देता जीरो, ऐसे लोग मतलब वो दब दब के ही रहते हैं इन सबके नीचे। शिवित हो गया, प्रियंका हो गई। Rodies, यस as सर, requested by you guys. एंड हिमांशु, हम बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. पहला क्वेश्चन मत आपको करो, मैं थोपने वाली हूँ अपना. पहला थोपो क्वेश्चन ये है थोपो। कि जब आप इंटरव्यू देने गए थे रोडीज का, हाँ वी फाउंड यू वेरी इमोशनल. फेयर। ठीक है, वर यू ट्राइंग फॉर रोडीज फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम? आई गेव माई ऑडिशन वंस बिफोर दिस, व्हेन आई वाज द मोमेंट आई टर्न 18, तो मेरे को था भाई एक बार ही तो जाना है रोडीज में, बिकॉज आई हैव बीन अ क्रेजी फैन। तो तब भाई ना कौन बॉडी सा थी सीजन मेरे आपको सबसे अच्छा लगा था? को। सीजन सबसे अच्छा कौन सा लगा था भाई मेरे को, लगा था सबसे अच्छा सीजन, ऐसे तो काफी लगे हैं यार, पर जिस कोई सीजन में कंटेस्टेंट जो एकदम धांसू जिससे आप रिलेट भाई, करते हो? कंटेस्टेंट तो नहीं नहीं, जिससे मैं रिलेट कर सकता हूँ। आई फील ऑब्वियसली लाइक मेरी पर्सनालिटी काफी यूनिक है, मतलब उनकी मैं, हुई तो इंस्पायर थोड़ा बहुत किया हाँ होगा, किसी से कुछ थोड़ा तो बहुत मैं लिया होगा. बताता हूँ। मेरे को पर्सनली समवन दैट आई रियली एडमायर्ड वाज समवॉट रफ्तार सर। रफ्तार सर, हाँ हाउ? भाई, मतलब जो वो बातें करते हैं कहीं ना कहीं वो भी एक हम्बल बिगिनिंग से आते हैं, और कहीं ना कहीं आई रिलेट टू हिम अलॉट। वो समझ रहे, जैसे मेरे को भी काफी लोग बोलते हैं दैट दे सी मी एज वेल इंस्पिरेशन, बिकॉज दे कैन कनेक्ट विद मी, दे कैन अंडरस्टैंड, है ना मेरे को। तो वही वाला सीन मेरे को कहीं ना कहीं रफ्तार सर के साथ लगता है अपने से क्यों कि लगता है लोग आपके साथ कनेक्ट कर सकते हैं? वही है ना, क्योंकि मैं अब ऑब्वियसली आर आई कम फ्रॉम वेरी हम्बल बिगिनिंग लाइक आई सेड, एंड देन बिसाइड्स दैट आई हैव बीन रियली, आई वुड से आई एम बीन अ हसलर। तो काफी लोग जो मेरे जैसे ही होते हैं बहुत उठने की ट्राई करते हैं, बहुत पैशनेटली करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं चाहते हैं, वो देखते हैं ना कोई इंसान हमारे में से कर रहा है तो वो अपना मानते हैं यार ये हमारे साथ होता था, ये देखो कर अब सकता तो हम भी कर सकते हैं. एग्जैक्टली कि मतलब यार अगर इस इंसान ने इस हमारे जैसे होके ऐसे पहुंचा है वो, तो मैं भी कर सकता हूँ यार। तो आपको दैट लगता इज है वेरी आपने बहुत कुछ इंपॉर्टेंट। अचीव कर लिया? बहुत कुछ तो नहीं अचीव कर लिया ऑब्वियसली यार, मेरे को लगता है रोडीज वॉज द फर्स्ट स्टेप टू माई माइलस्टोन. लैडर, ठीक है, बट देन अगेन येस आई फील लाइक इट इज अ बिग अचीवमेंट। उससे पहले भी काम कर रहा था, बट हाँ यार मतलब रोडीज कहीं ना कहीं एक अचीवमेंट से ज्यादा मैं कहूंगा मेरे एक दिल की ना एक चाहत थी, समझ। जैसे कुछ लोग करते हैं रोडीज कहीं ना कहीं फेम के लिए और पैसों के लिए, वो होता है, फेम और पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, पर एक वो होता है ना कि यार तुम बचपन से देख रहे हो यार, वो पसंद आती है चीज, और मन करता है कि यार आई किसी को विश आई आपको वाज रोडी देयर। का टैग चाहिए था, हाँ रूडी का टैग, रूडी विनर का टैग चाहिए था वैसे तो, पर विनर का नहीं टैग. मिल पाया। देन डिड यू डिसाइड कि अब मैं जिम्मेदारी उठाऊंगा, अब पापा ने मेरे को यहां तक पहुंचा दिया है, अब मैं उन्हें काम नहीं करने दूंगा, नाउ आई विल टेक द चार्ज ऑफ द हाउस? ब्रो बेसिकली तो बचपन से ही था, बचपन से मैं अपने दोस्तों को बोलता था कि भाई मेरे को ये मीडियोकर शिट नहीं करनी है, मतलब मेरे को जॉब वॉब तो करनी ही नहीं है नाइन टू भाई, फाइव नहीं करना था. फटना है भाई, और फटना है ऐसे कि भाई मतलब दो लोग देखे ना तो कहे कि भाई ये है भाई जो है, समझ रहे हो। और बचपन से ही मैं वैसा था, मेरे किसी भी दोस्त जो मेरे जेन्युइनली अभी दो तीन ही दोस्त है, उनसे आप पूछोगे ना उन्हें अभी भी पता है, जब मेरा रोडीज का हो गया ना उनके लिए कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं था, बिकॉज दे नो, क्योंकि भाई मैं कुत्ता बन जाता हूँ अगर मेरे कोई चीज चाहिए ना, कि भाई चाहिए तो चाहिए, तुम्हें शायद नहीं आएगा समझ, पर जो लोग मेरे को रिलेट करते हैं, जो लोग एक हम्बल बिगनिंग से आते हैं, समझ में आते हैं कि काफी चीजें ना तुम्हारे दायरे से भी बाहर आता होती है है। समझ में, मुझे भी आ रहा है गाइस, आई एम अरे नहीं, मैं वेरी तुम्हें सॉरी. एग्जांपल देता हूँ यार, जैसे अब देखो अगर मान लो तुम्हें बेसिक सी चीज, तुम्हें ऑडिशन देने जाना है, अभी तुम्हारे घर वाले पैसे दे देंगे एटलीस्ट, तुम काम नहीं कर रहे हो तो, एक स्ट्रगलर बता रहा हूँ ना, ऐसे ही होता है, बॉम्बे चला गया, घर वालों ने थोड़े पैसे दे दिए, वहां पे अगर काम वाम मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा है थोड़े बहुत घर वाले पैसे भेजते, मेरे पास वो बैकअप था ही नहीं। द पॉइंट दैट यू वर टॉकिंग अबाउट कि कब मुझे लगा दैट आई शुड टेक चार्ज, मैं ये नहीं कहूंगा मैं बहुत ज्यादा कमाने लग गया, पर मैं इतना कमाने लग गया कि जितने पापा पैसे देते थे तो मैं दे सकता था पापा कितने पैसे देते? यार, ऐसे तो लगा लो 30-35 हज़ार होगा। अच्छा, हाँ तो उस टाइम पे भाई, ये तो अब की बात है, मतलब लाइक 30-35-40 से हमारा घर चल जाता है, इतना कोई बड़ी डील नहीं है, हाँ, नॉर्मल चल ठीक जाता है, है. पर ये था कि अब मेरे को वो
तब लगा जब मेरे को लगा कि हाँ मैं अपनी बेस करने के बाद अचीव भी कर रहा हूँ और फिर निकाल सकता हूँ साइड। क्योंकि सबसे पहले मेरे को ये था कि ऑब्वियसली अगर मैं बचपन से यही सोचता रहा ना कि पहले घर वालों को ही पैसे देने हैं तो वो नहीं हो पाता है। कभी कभी क्या होता है कि लोग आते हैं ऑडिशन के अंदर एंड पीपल हैव अ स्टोरी, हाँ लाइक जैसे आपके आपके भी सीजन की अगर मैं बात करूँ तो जब पीआई हो रहा था मैंने देखा कि कुछ लोगों की स्टोरीज बहुत मोल्डेड थी एंड मेड अप थी एंड दे वर ट्विस्टेड पता लग बेसिकली. जाता हाँ, है, फेक लग रही थी स्टोरी पता लग बेसिकली, मैं जाता ये है। कहना चाहती हूँ. हाँ आपको कभी ऐसा कॉमेंट आया कि यार ये स्टोरी बना रहा है, ये रियल है कि फेक अरे है? बहुत, तो बेसिकली ना मेरे इंस्टाग्राम पे ना एक मैंने मतलब रील डाली हुई थी जहां पे मैं पार्टी वगैरह कर रहा था, क्योंकि मैं हूँ भाई, मैं बहुत पार्टी भी करता हूँ, बहुत पैसा भी उड़ाता हूँ। तो वो डाली हुई थी भाई रील, पार्टी की और रील डाली आपने? भाई किसी बंदे ने उसके अंदर कमेंट करा है, ये तो ये कैसे इतनी पार्टी कर रहे हैं, इसका बाप तो ऑटो चलाता है। मेरे कहा भाई एक बात बताओ, पहली बात पार्टी करने के लिए पैसा नहीं चाहिए, अच्छे दोस्त चाहिए, तुम घर पे भी अच्छी पार्टी कर सकते हो। नंबर टू, क्लब के अंदर पार्टी करने के लिए चाहिए है पैसा, ऑब्वियस ही बात है, पर तुम कनेक्शन अगर अच्छे बनाओ। भाई मैं पीआर करता था, मेरे को पैसे मिलते थे पार्टी करने के। ऑब्वियसली इट्स वेरी हर्टफुल बिकॉज इट्स नहीं जस्ट यार, मेरे हिसाब लाइक से आई फील लाइक यू इग्नोर ऑनेस्टली, इट द कमेंट्स नहीं, आई ऑनेस्टली लव इट। यू लव इट. क्योंकि जब वो ये चीजें बोलते हैं ना कहीं मेरे को रियलाइज होता है कि भाई इन लोगों के लिए कितनी बिग डील है ये। क्योंकि अगर बिग वो डील क्या पार्टी करना? मतलब कि ये इंसान ऐसे हो कि ऐसे पार्टी कैसे कर सकता है, समझ रहे सो हो? बेसिकली दे कैन रिलेट समहाउ, दैट्स रिलेट व्हाट वाला यू सीन नहीं, सेइंग. जो हेटर्स हैं, बेसिकली हेटर्स तो ऑब्वियसली रेट नहीं कर पाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग मुझे देखते हैं, जो लोग मेरे को हेट देते हैं इस चीज के लिए, उनको ना खिज मचती है ऐसे कि यार हम तो इतना नहीं कर पा रहे हैं यार, ये ये बहन चोद स्त्री तो है भी गरीब ये कैसे कर रहा है पार्टी। पर ऐसा सीन था नहीं भाई कभी, मेरे को लगता है ऑनेस्टली आई हैव हैड द बेस्ट पेरेंट्स एनीबडी कुड एवर हैव। और ये मैं अच्छा दिखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। मेरे घर वालों ने मुझे हर चीज के लिए पुश किया है, मेरे को हमेशा साथ दिया है, मेरे को मॉरल्स अच्छे दिए भाई। ये गाड़ी मेरे को बढ़िया चाहिए, अभी खरीदने को भाई मैं दो गाड़ियां खरीद सकता हूँ, इतनी औकात रखता हूँ खड़े पैर, पर नहीं खरीदता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई मेरे को अपने आप पे और काम करना नाउ हिमांशु द नेक्स्ट क्वेश्चन. है। बेसिकली लाइक पीपल से दैट हिमांशु जब गौतम की गैंग में खेलता था तो वो काफी स्वीट दिखता था. जब वो प्रिंस की गैंग में आया उसकी पर्सनालिटी सडन चेंज हो गई, लाइक वी सॉ समबडी वेरी हु इज वेरी राउडी जो कि अचानक से है. तो क्या आपकी पर्सनालिटी प्रिंस की गैंग में ज्यादा निखर के आई कि गौतम की गैंग में ज्यादा निखर के आई? पहली बात तो मेरे को लगता है जो लोग ये सोच रहे हैं कि गैंग्स चेंज होने से पर्सनालिटी बदलती है, तो कहीं ना कहीं उनकी भी सोच बताता है, उनको लगता होगा ऐसा। हाँ ये बिल्कुल डिपेंड करता है कि तुम्हारा गैंग लीडर कैसा है। जैसे गौतम सर हमें उतना नहीं बोलने देते थे, ठीक है, बट आई वुड स्टिल, आई स्टिल रेज्ड माई पॉइंट्स। जैसे अगर मैं तुम्हें बताऊँ, एक बार ऐसा था कि मेरे को, मैं अलायंस में नहीं खेलना चाहता था शुरू से ही, ठीक है, मैं चौड़ में खेलना चाहता था भाई, कि भाई अगर खेलना है तो भाई जिगरा रखो और टास्क अच्छे करो, अपनी पर्सनालिटी दिखाओ, भेड़ चाल में मत चलो। तो मैंने बोला कि भाई नहीं करनी है। वो गौतम सर को पसंद नहीं आया, गौतम सर कहते कि नहीं यार कि तुम अलायंस ही करनी पड़ेगी। फिर हमें रखनी पड़ी वो कहीं ना कहीं, अच्छा, ठीक है। एंड देन अगेन आई वोंट से दैट इज रॉन्ग ओन हिज पार्ट, बिकॉज ही जस्ट वॉन्टेड अस टू बी सेफ। ओके. सो बेसिकली यू आर सेइंग दैट गौतम की गैंग के अंदर मैं इतना खुल यू, के बोल नहीं पाता था कहीं ना कहीं, हाँ, पर जब प्रिंस की गैंग में आया थोड़ा खुल के बोलने लगा। एंड यस, अगर तो फिर लोगों तो को, गैंग से फर्क पड़ा ना, नहीं गैंग से, नहीं गैंग लीडर से फिर फर्क फर्क पड़ा, पड़ा पर ना, वो ऐसा थोड़ी कि मेरी पर्सनालिटी चेंज हो गई। तो फिर आप गौतम की गैंग में तो नहीं बोल रहे. गौतम सर की गैंग में भी मैं बोल रहा था, उतना नहीं बोल पाते थे कि गौतम सर शांत करा देते। तुम वोट आउट में भी अगर बोल रहे हो, कहीं ओके, पे भी बोल रहे हो, यार प्रिंस सर का सिंपल था कि तुम बोलो, सिंपल सी बात है, तुमने शो किया स्प्लिट्स वाला, तुम्हें कोई भी, जिसने भी रियलिटी टीवी शो किया ना उसे पता होगा, जब तक इंसान बोलेगा नहीं ना कोई रत्ती भर फायदा नहीं है, तो ठीक फिर है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि गैंग लीडर से फर्क पड़ता है ना फिर, यार देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि फर्क आप फर्क लॉयल पड़ता हो. है बोलने पे और अपनी पर्सनालिटी दिखाने में, टास्क करने पे। मैं मुद्दे की बात ये कर रहा हूँ कि पर्सनालिटी चेंज नहीं होती है, जैसे कुछ लोगों को लग रहा है ना काफी, जैसे मेरे को भी पर्सनालिटी कमेंट्स वगैरह इनहांस से, हो सकती है या फिर नहीं मॉडिफाई हो एनहांस सकती नहीं, है. मेरे को लगता है कि तुम्हारा, तुम हाउ डू आई पुट दिस, आई फील लाइक व्हेन यू, व्हेन आई पर्सनली चेंज्ड माय गैंग, तो बेसिकली उसके अंदर ना तुम कहीं ना कहीं, और जो उस गैंग लीडर की टैक्टिक्स है तुम उनके साथ उस तरीके से खेलने लग जाते हो, That डिफरेंस is समझ what रहे I'm हो? saying. हाँ, हाँ तो मतलब वही वाला सीन है कि हाँ बिल्कुल कहीं ना रियलिटी कहीं से मैटर कुछ करता फर्क है पड़ा? फर्क। अरे बाबा ये होता है कि वो, मैं समझ गया वो तो है ही ऑब्वियसली कि तू कैसे कर रहे हो, मैं पर्सनालिटी चेंज की बात कर रहा हूँ।
पर्सनालिटी जो लोग जैसे मैसेज भी करे, जो तुमने भी क्वेश्चन जो स्वीट तुम्हारा यही था कि जो स्वीट स्वीट से एरोगेंट हो गया, एरोगेंट तो ऐसा नहीं नहीं, है आई डोंट फील लाइक एरोगेंट आफ्टर लाइक यू स्टार्टेड वो रेज बिल्डिंग माय योर वॉइस इज वॉइस मोर. मोर या सो यस दैट या दैट डेफिनेटली हैपेंड एंड आई फील लाइक दैट इज समवॉट वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई एम लाइक दैट. ठीक है, मैं यू आर इन हूँ जनरल. ऐसा. यस सो बेसिकली ये हुआ ना, फिर तो प्रिंस की गैंग के अंदर आपकी रियल पर्सनालिटी देखने को मिली. यार, रियल तो मेरी गौतम सर की गैंग में भी थी, बस वो अच्छा उतनी ज्यादा नहीं दिख पाई, अच्छा समझ रहे हो. गॉट इट. फेक होती तो ऐसे होता ना कि मैं गौतम सर की गैंग में बिल्कुल ही नहीं बोल रहा हूँ, और प्रिंस सर की गैंग में आते ही मैं सबको गाली दे रहा हूँ, ऐसा नहीं था. गौतम सर की गैंग में भी मैं बोलता था, मैं हाथ खड़ा करता था, बस ये था कि कहीं ना कहीं वो उतना नहीं बोल पाता था. मेरा ये एक क्वेश्चन डिफरेंस. और है, और ये है इसी का क्वेश्चन का पार्ट है. ओके. आप जब बोल रहे हो कि गौतम सर की गैंग में मैं इतना नहीं बोल पाता था, ठीक है, इसको ऑडियंस बहुत अलग तरीके से भी ले सकते हैं. हाँ. ठीक है, नाउ लेट मी पुट, जो मुझे समझ आ रहा है आपकी कॉन्वर्सेशन से वो ये है, यू आर यस फॉलोइंग द लीडर. सो यस यस राइट, फॉर सो हाँ मतलब गौतम फॉलोइंग हैज अ तो डिफरेंट हाँ. पर्सनालिटी देन यस हाउ प्रिंस हैज, विच इज वेरी ऑब्वियस, लाइक द टू यस डिफरेंट ऑरास ऑल टुगेदर. तो जब आप गौतम की गैंग में खेलते हो तो आप बहुत ज्यादा ही लाइक यू नो यू फॉलो वट एवर ही वॉन्ट्स यू आर डूइंग दिस, दिस इज अ गेम टैक्टिक्स लाइक बताओ ऑल्सो. बताओ बताओ. और प्रिंस की गैंग में जब आप खेलते हो तो यू नो यू गेट लिटिल बिट लाइक, बिकॉज दैट्स व्हाट प्रिंस लाइक्स, ही वॉन्ट्स पीपल टू पुट हिज पीओवी कि बोलो बोलो, अगर तुम बोलोगे नहीं तो कोई सुनेगा नहीं, रेज योर वॉइस, आई गेट इट. तो क्या आपकी पर्सनैलिटी बहुत फ्लूइड है? नहीं, मेरे को ये लगता है कि मेरी पर्सनालिटी अगर चेंज होनी होती तो जब गौतम सर शांत कराते थे तो मेरी वैसे ही बन जाती, समझ रहे हो. अगर मैं वैसा होता, एक फ्लूइड पर्सनालिटी इज बेसिकली दैट वुड मोल्ड हिज पर्सनालिटी, राइट. आई डोंट नो, आई डू नॉट थिंक आई मोल्डेड माय पर्सनालिटी एट एनी गिवन पॉइंट इन द शो, बट यस कहीं ना कहीं वही वाला पॉइंट है जो मैंने अभी तुम्हें पहले बताया कि मेरी पर्सनालिटी और ज्यादा दिख पाई कहीं ना कहीं. तो आपके हिसाब से प्रिंस के गैंग में आपकी तो पर्सनालिटी ज्यादा दिखी. हाँ, मेरे हिसाब से तो सपोज ये तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपके लिए, इन हाँ. फ्यूचर आल्सो आप किसी रियलिटी शो में जाते हो, वहां पे ऑब्वियसली नाउ तो ये सब बिगिनर्स होते हैं, ठीक है, नाउ द पीपल विल कम आर लाइक प्रोज. कुछ कुछ उनमें से ऐसे भी लोग होते हैं जिन्होंने सारे रियलिटी शो कर लिए. फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली वी टेक प्रिंस नरोला, ठीक है, अगर आप और वो एक रियलिटी शो में जाते हो, ठीक है, यू आप उनके, वो आपके गुरु भी रह चुके हैं, ठीक है, वो आप उनसे सीखे हो, अगर कोई रियलिटी शो में जाते हो तो क्या क्या लगता है आपको कि आप उनसे, आप उनके सामने लड़ पाओगे? यस, एंड आई थिंक वो चाहेंगे भी कहीं ना कहीं, क्योंकि उनका मेन पॉइंट ही यही है कि तुम अपनी आवाज उठाओ जो तुम्हें, जो तुम्हें सही लगता है, जो गलत लगता है उसके लिए. सेकेंडली, इफ आई फील लाइक प्रिंस भाई एंड मी, इफ वी एवर मीट इन रियलिटी टीवी शो, बहुत मजा आएगा भाई मेरे को तो, ऑनेस्टली. क्योंकि बट गेम पता है क्या सीन है, अभी मेरे को बहुत अच्छे से जानते हैं प्रिंस भाई, और मैं प्रिंस भाई को बहुत अच्छे से जानता हूँ. अगर आपको लगता है एकदम 20 दिन में आप जान गए फ्रेंड्स को? समवॉट यस, मतलब मेरे को, मैं इंसान पढ़ लेता हूँ भाई, मेरे हिसाब से मैं समझ जाता हूँ इंसान जो जो बात कर रहा है किस रीजन से कर रहा है, किस मोटिव से कर रहा है, किस इंटेंशन से कर रहा है. सिर्फ अच्छा होना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, अच्छा लोगों को दिखे भी कि तुम अच्छे हो, बट समझ अगर रहे कोई हो. अच्छा डिफरेंस नहीं. बताता हूँ मैं कैसे. अब जैसे अगर मान लो कि तुम असली लाइफ में अच्छे इंसान हो, ठीक है, पर हम टीवी पे गंदे दिख रहे. तुम टीवी पे गंदे दिखे, और ये बहुत लोग कहते हैं कि भाई हम शो से बाहर आए, मेरी तो इमेज ऐसी है यार, मेरी इन्होंने ऐसी इमेज बना दी. भाई वो बनाई नहीं है, तुमने अपनी अच्छी इमेज पुट आउट ही नहीं करी, तुमने वो दिखाया ही नहीं कि तुम अच्छे इंसान हो, तुमने नहीं अच्छे काम किए ही नहीं है. भाई मेरे को मेरा पर्सपेक्टिव है यार ये, कि मेरे को ये लगता है कि तुम कहीं ना कहीं एक रियलिटी टीवी शो के अंदर बट अगर एक तुम बात आपको देखनी पड़ेगी, रियलिटी शो जो होता है, ठीक है, वो एक कैरेक्टर, आई एम नॉट सेइंग इट्स स्क्रिप्टेड स्क्रिप्टेड, बट इट फील्स लाइक, जैसे आप तो रोडीज कर कर आए हो, रोडीज अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म ऑल टुगेदर, बट जो बाकी रियलिटी शोज होते हैं उनके अंदर ऑब्वियसली जब आप एक शो चला रहे हो नेशनल टेलीविजन पे, आपको पैसा बनाना ना उससे, हाँ तो इट्स लाइक यू ऑल हैव अ कैरेक्टर, हाँ तो राइट, है ही वो. या सो नॉट एवरीबडी कैन बी शोन लाइक हाउ, बिकॉज एक 24 घंटे का एडिट होता है, ठीक है, हाँ उसको 1 घंटे में दिखाना होता है. तो तुम क्या कहना मैं चाहते ये हो? कहना चाह रही हूँ कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि हर कोई, बिकॉज लाइक इन दिस सीजन ऑफ स्प्लिट्स, जैसे लीना है और जो मेरा फ्रेंड है शिवम, शिवम जो कि रियल लाइफ इज वेरी नाइस, बट यू नो लाइक समटाइम व्हाट हैपेंस आई थिंक इज दैट एडिट कभी कभी आपको गलत दिखाता है, दिस इज व्हाट आई थिंक. अब मैं तुम्हें बताता हूँ, एडिट ना बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, इम्पोर्टेंट है वो, रिगार्डलेस ऑफ वट एवर हैपन्स गेम घूम जाती है एडिट में. पर अगर तुम दिमाग से, जेनुअनली तुम्हारे में थोड़ा बहुत दिमाग बट है, रियलिटी शो है ना, सुनना वन शो है. बाबा,
तो अगर तुम सच में तुम्हारे में दिमाग है और तुम्हें पता है कि तुम एट हार्ट कैसे इंसान हो, मेरे को ऐसा लगता है कि तुम्हें एडिट के अंदर भी गलत नहीं दिखा सकता, मेरा ये बट मानना तो है। बहुत नाप तोल भी खेलने वाली बात हो गई। नाप तोल के कैसे यार, अगर तुम अच्छे इंसान हो हाँ और तुम्हें पता है कि पर तुम हो गलती अच्छे तो होगी इंसान, इंसान से, तो एग्जैक्टली तो वो गलती भी पता लग जाती है, समझ रहे हो? अगर कि अब उस जैसे मैं गलती बताता को हूँ, 3 बार मॉडिफाई करके हाँ दिखा दोगे तो बिल्कुल, आप अब बहुत गंदे लोग मैं हो। बताता हूँ तुम्हें डिफरेंस बेसिकली क्या सीन है। कि अगर तुम ये कह रहे हो ना कि एडिट, मैं ऑब्वियसली मानता हूँ एडिट तो है ही इम्पोर्टेंट, वो अगर तुमने कोई भी चीज़ की है, जैसे आपकी भी कितनी सारी फाइल्स है हाँ जो तो कि वो अब कट होकर आई है, बिल्कुल, तो कभी आप मैं अच्छे लगे कभी आप गलत लगे, बट इट डिपेंड्स हाउ हाउ ऑडियंस इज गोना लाइक इट, राइट। तो पॉइंट ही सारा एंड पे उस पे आ जाता है कि नंबर 1 एडिट जो बन के आ रहा है उसके बाद भी तुम्हारा ट्रू कैरेक्टर कैसा ले रही है ऑडियंस, समझ रहे हो? क्योंकि ऑब्वियसली यार लोगों को भी पता है कि हर कोई गलतियां करता है, हर कोई कोई यहाँ पे संत नहीं है। अब जैसे शो के अंदर भी ब्रो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जब मेरी गैंग स्वॉप हुई तो काफी लोग थे, जैसे शिवित था, तो शिवित ने कहा था कि मेरी गैंग स्वॉप भी हो जाए मैं तो फिर प्रिंस सर के लिए खेलूंगा, हाँ है ना? तो वो हाँ उसके मॉरल्स है कि उनकी उसकी लॉयल्टी है सिर्फ प्रिंस सर के लिए। हाँ मेरा ऐसा है कि मेरे मॉरल्स ऐसे कि मैं जिस गैंग में जाऊंगा मैं उसकी ढाल बन के रहूंगा। विच इज वेरी गुड गेम यस टैक्टिक्स। अब जैसे अगर तुम सोचो कि तुम्हें लाइफ में किसी एक इंसान ने बहुत कुछ सिखाया है, वो ऑब्वियसली बहुत वो इंपॉर्टेंट है, हाँ पर अगर तुम्हें उसके बाद कोई और इंसान कुछ सिखा रहा है ना, तो तुम ये नहीं करोगे कि भाई वो वो पहले वाला जो था वो ही था, हाँ ये वाला जो है वो कुछ नहीं है। आई फील लाइक दैट इज मॉरली मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं गलत, समझ रहे हो? कि तुम दोनों को इक्वली रिस्पेक्ट दो, तो पर पहले तुम वाला ज्यादा दोनों को ही इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए। नहीं, क्यों? अगर एक बात बताओ सबसे पहले जो हमारे पास कुछ नहीं था तो हमने बाबा, क्यों मैं अब तुम रोडीज की बात कर रहा हूँ ना मैं यार, किया? ठीक है? अगर तुम्हारे पास कुछ हो ना हो, जो तुमने पहले भी जो तुम्हें सिखाया उस इंसान ने, चाहे बाद में किसी और इंसान ने भी सिखाया है, पर सिखाया तो है ना यार, वैल्यू तो तुम्हें दी है, तुम्हें कोई एक्स्ट्रा ही बनाया है ना, तो तुम हाँ ये कह सकते हो कि मेरे को ये ज्यादा अच्छे लगते हैं या ये उतने अच्छे ज्यादा नहीं लगते, पर तुम कभी ये थोड़ी बोलोगे कि अगर मैं इनके नीचे भी खेलूंगा या मैं अगर मैं इनके साथ भी खेलूंगा मैं तब भी क्रेडिट उनको ही दूंगा। तो वो वाली बात है, मेरे हिसाब से जब मेरी गैंग भी स्वॉप हुई, मेरे मॉरल्स और मेरे एथिक्स वैसे ही थे कि अगर मैं किसी की भी गैंग में जाऊंगा मैं उस इंसान को जो गैंग लीडर है, जिंदगी में इतना कुछ करके बना है, उसको उतनी ही वैल्यू दूंगा, उतनी ही रिस्पेक्ट दूंगा जितनी मैं अपने पहले वाले गैंग लीडर को दे बट रहा था। फिर जब आप कह रहे हो कि आपने सीखा उनसे उन गैंग लीडर से, जब मैं आपको हाँ दूसरे रियलिटी शो में डाल देती हूँ उन्हीं गैंग लीडर के साथ, हाँ फिर क्या होगा? तो फिर भाई अच्छा होगा ना, मजा आएगा, उसमें क्या फिर गलत है? रिस्पेक्ट आ गई। फिर तो जरूरी थोड़ी है मेरे को वहां पे जाके उनकी बेइज्जती करनी, उनसे लड़ना ही है। क्या पता हम अगर अच्छे बन के रहे, क्या पता क्या पता हम दोनों बहन चोद भाई सबकी गांड मार लें, 1% यू यू चांस है। नेवर नो। नहीं 1% नहीं है यार, मेरे हिसाब से तुम्हें चीज समझनी बहुत जरूरी है कि रियलिटी टीवी शो पे लोगों को लगता है कि बस जाओ और भिड़ जाओ, I feel like ऐसा नहीं Himanshu होता। is the mastermind, guys. I feel like Himanshu is the mastermind. I am telling you, मैं 2 मिनट में घुमा देती हूँ आदमी को। ये आदमी नहीं समझ रहा मेरी बात, नहीं समझ रहा। Okay, now coming back to the edit. I have few questions for you. आपको लगता है आपका edit हर चीज में sorted था? आपको मेरे को कोई बहुत बार कोई बुरा भी भी दिखाया गया है, मेरे को बहुत बार ऐसा क्या भी आपको कुछ दिखाया गया है, शिकायत है? मेरे को लोगों ने कहीं ना कहीं ये भी दिखाया कि मेरी गैंग बदल के पर्सनालिटी बदल गई थी। अब सिंपल सी बात है, अब वो लोगों का पर्सपेक्टिव है, ठीक है? मैं एडिट की कुछ बात लोग, कर हाँ एडिट की बात कर रहा हूँ मैं रही भी, कि बेसिकली एडिट में कहीं ना कहीं वो होता है ना ऊपर नीचे हो। जैसे एक मेरा टास्क था जिसके अंदर कोई ये बोल रहा था कि मैंने चीटिंग किया मम्मी वाले टास्क में, हूँ। और मैं उस टाइम पर भी शो के बाहर आके भी यही चीज बोल रहा हूँ कि मेरे हिसाब से वो गलत नहीं था। तुमने देखा वो टास्क, देखा मैंने है? मेरा क्वेश्चन है वो। हाँ तो बेसिकली सीन ये है कि भाई मेरे हिसाब से जितना इंपॉर्टेंट एक रूल है उतना इंपॉर्टेंट दूसरा रूल भी होना चाहिए। अगर एक रूल ये है कि पट्टियां जूते से अच्छे से बांधी जानी चाहिए, उतना इंपॉर्टेंट है कि तुम अपना मुंह फ्लिंच नहीं कर सकते हो 5 बार के बाद, पर वही अगर पट्टियां नहीं बांधी गई तो तुम उसको भी उतनी अहमियत दो ना यार, उसको अहमियत नहीं दी गई। अपने अंदर मुझे पता है कि मैंने वो टास्क किल किया है भाई, मेरे बिना वेंचर तो बोरिंग लगता पूरा एपिसोड, जो जेन्युइनली बताऊं मैं, ठीक है? और उसके अलावा वहां पे ऋषभ ने भी एक्सेप्ट किया है कि वो मुझे उठा ही नहीं पा रहा था भाई, मैं 6'2", तुमने देखा इतना लंबा आदमी और मेरे 82 kg वेट है, तो वो भगवान भी आ जाता ना उसके अंदर तब भी नहीं उठा पाता वो मुझे, मेरे को लगता है। पर वही वाली बात है ना कि उसको ही हैड टू गिव अ रीजन, ही हैड टू से कि भाई ये इस वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। क्योंकि तुम नोटिस करना, वेट कोई ड्रॉप कैसे कर सकता है? जो तुम्हारा वेट है, अगर मैं तुम्हें उठाने का कैलिबर रख सकता हूँ तो मैं उठा ही लूंगा अंटिल अनलेस तुम मेरे को हटाओ। मैंने हटाया नहीं है, मैंने हाथ ढीले रखे हैं, छोड़ा हुआ है, और अगर मैं तुम्हें उठा सकूंगा ना और तुम उल्टा अपने हाथ ढीले छोड़ दोगे, मेरे लिए उल्टा इजियर रहेगा वो।
तो वो वाला ही सीन है, अगर मैं रिजिड रहता और छोटा रहता, उल्टा उनके लिए वो भारी पड़ता टेक्निकली, पर मैं ढीला छोड़ा हुआ था, जब तक मैं ढीला नहीं छोड़ूंगा वो ये पॉइंट रेज नहीं होगा कि पट्टी अच्छे से नहीं बंधी गई है, ओके तो इसलिए मैंने ढीला छोड़ा था कि वो पॉइंट रेज हो। वो पॉइंट रेज हुआ, दैट वाज योर वो प्लान। माना नहीं माने वो उनके ऊपर है भाई। मैंने अपने आप से अच्छी गेम खेली, मैंने अपनी गैंग को जितवाने के लिए दिया और मैंने किल किया भाई वो टास्क, जो मर्जी बोलते रहे कोई, यार पूरी की पूरी एमटीवी की टीम भी आके अगर मेरे को बोले, मेरा ये मानना है कि मैंने अच्छा टास्क किया, वो कोई बोलता है एडिट में जैसा मर्जी दिखाए दिखा ले ब्रो, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। ओके नाउ आई एम गोना कम बैक टू दिस क्वेश्चन। अ लॉट ऑफ पीपल सेड दैट प्रिंस वाज अनफेयर दिस ईयर। अबाउट वॉट? प्रिंस वाज अनफेयर, लाइक ही यूज्ड टू हैव फेवरेट्स इन द शो, ओके ओके, एंड अ लिटिल बिट बायस टुवर्ड्स लिटिल बिट कंटेस्ट, लाइक ही हैज अ फेवरेट, लाइक जैसे लोग बोलते हैं कि शिवित उसका फेवरेट था, बट जहां तक मुझे लगता है कि शिवित को फेवरेटिज्म इसलिए हुआ क्योंकि शिवित वाज 100% लॉयल टू प्रिंस। शिवित ने कभी रिया और गौतम को नहीं मुड़ के देखा, ठीक है, एंड गौतम एंड रिया एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वर न्यूट्रल विद एवरीबडी व्हिच वाज सो एविडेंट ऑन द शो। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? डू यू थिंक ही वाज अनफेयर और डू यू थिंक इट्स जस्ट द एडिट नाउ अगेन? दो चीजें बोलूंगा। नंबर वन, हैविंग फेवरेट्स इज नॉट रॉन्ग या मेरे आई हिसाब हैव से, फेवरेट्स। ठीक है? कोई भी शो देखता है वो कहते हैं ना कि भाई मैं चाहता हूँ ये जीते, और अगर वो बोलते हैं कि बट ये क्या आपको जीते, लगता है कि गैंग लीडर के भी फेवरेट्स होने चाहिए बिकॉज़ उनका मैं काम भाई है? उसी पे आ रहा हूँ मैं। तो हाँ बेसिकली क्या है कि फेवरेट्स होना गलत नहीं है, गलत है इक्वल अपॉर्चुनिटी ना देना फेवरेट्स होने के बाद। अब समझ रहे हाँ हो? एग्जैक्ट, सो अब दैट इज जैसे दिस। बाबा सुनो सुनो, जब मैं प्रिंसर की गैंग में था, तब एक ऐसा पॉइंट था जब शिवित और मैं दोनों वोट आउट हो गए थे, दोनों में से एक को बचाना था, तो प्रिंस भाई ने मुझे बचाया, शिवित को नहीं बचाया था उस दिन, वो बाहर चला जाता। फिर उसके बाद एक टास्क हुआ जिससे वो बचा, ये वो, तो ऐसा नहीं था कि बायस रहे हैं प्रिंस सर। फेवरेट होंगे बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ, एंड आई डोंट नॉट थिंक दैट इज देर इज एनीथिंग रॉन्ग इन इट, मेरे को तो कहीं ना कहीं पर्सनली आपके कोई साथ हुआ प्रॉब्लम नहीं है। फेवरेटिज्म? हाँ ब्रो, मतलब वही बता रहा हूँ, फेवरेटिज्म होना गलत नहीं है। मेरे को लगता है जब मैं गौतम सर की गैंग में भी था या मैं प्रिंस सर की गैंग में भी था, तो कहीं ना कहीं उनको पता था कि विनिंग पोटेंशियल है, प्रिंस को लगता था आप में विनिंग बिल्कुल, पोटेंशियल तभी है। तो बचाया मुझे, अच्छा वही बता रहा हूँ मैं। उसके अलावा हर टास्क में भी उन्होंने मौका दिया कि अगर तुम इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हो ना, वो गलत है। वही तो मेरा क्वेश्चन है। इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है प्रिंस भाई ने, बिल्कुल दी है, और गौतम भाई ने भी बिल्कुल दी है, ऐसा नहीं है प्रिंस भाई ने नहीं दिया। तो फिर लोग अनफेयर अनफेयर क्या कर रहे हैं? लोगों का तो काम है बोलना भाई, और उल्टा एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मेरे को लगता है कहीं ना कहीं गौतम सर ने, आई दिस माइट साउंड लिटिल बिट रॉन्ग, बट कहीं ना कहीं गौतम सर ने पराक्रम को ज्यादा बायस किया। पराक्रम को, हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली यार तुम कभी भी देखना, हमेशा पराक्रम कम्युनिटी मिलती थी रिगार्डलेस, पराक्रम आई थिंक एक भी किसी बार को भी वोटिंग नहीं, उसके ही इज भाई ऑलवेज उसके बीन ऊपर एक भी वोट सेम। नहीं डला यार। दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। या एक दिन एक टाइम ऐसा था कि जब मैं बिल्कुल गौतम सर की लोग गैंग में था, मैं डरते थे निकलने उससे, वाला मैं बता था, रही हूँ गाइस, अभी नहीं कि डरते थे लोग यार। लोगों को लगता था गाइस का नाम मिले एक मारेगा उड़ जाएंगे, रहने दो नहीं नहीं आई ऐसा सीन नहीं है, थिंक मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी बनती भी थी, क्योंकि ही इज अ गुड पर्सन, ठीक है, बट सेकेंडली गौतम सर हैज ऑलवेज सेफ गार्डेड पराक्रम, एंड व्हाई आई फील दैट इज अ लिटिल बिट अनफेयर, क्योंकि वो तुम औरों को भी मिलना चाहिए ना यार, वो कभी ना कभी तो, कि अगर आप ये सोचो कि एक वोट आउट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको सेव किया जा रहा है, ठीक है, आप बोल रहे हो पराक्रम को गौतम ने फेवर किया है, बाइस थोड़ा सा रहे थे। हाँ बायस है। डू यू थिंक इज इट लाइक इन द हिस्ट्री द फर्स्ट टाइम दिस थिंग हैज हैपेंड कि किसी का नाम कभी किसी वोटिंग में नहीं आया? हाँ ब्रो, ऑब्वियसली उसके अलावा मेरे को लगता ही नहीं है कभी कोई ऐसा हो, और मतलब हो सकता है कि नाम ना आया हो, पर वो इतना आगे भी ना गया हो। अब पराक्रम फिनाले गया है भाई, टिकट टू फिनाले वाला उसे। पराक्रम फिनाले गया और अभी तक एक भी वोट नहीं आया, मतलब या तो अब वही वाली बात करो ना, वो कहीं ना कहीं बायस वाला सीन तो होगा ही आई ऑल्सो ना। फील लाइक दैट यू लाइक प्रिंस। आई लव प्रिंस। द नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग ऑन इज योर फेवरेट गर्ल्स नेम आशिका। आशिका के साथ क्या सीन हुआ है आपका? शो पे तो आप बहुत अच्छे दोस्त थे, लोगों ने बोला कि इनका चल रहा है चल रहा कुछ? है, ठीक है, आपको लोग टॉन्ट मारते थे शो पे कि आपकी आंखें कहाँ पर है आजकल, ठीक है, शो के बाहर आए थिंग्स चेंज्ड, यस, सो व्हाई? मेरी तरफ से तो नहीं हुई थी चेंज। अभी भी आपको आपको सॉफ्ट कॉर्नर है उनके लिए। नहीं तो नहीं चेंज्ड एज इन कि आई डिड नॉट चेंज माई सेल्फ, यू वर सेम। या तो कहीं ना कहीं ये वाला सीन था कि ब्रो शो के अंदर था एक सॉफ्ट कॉर्नर था, ऑब्वियसली यू दोनों को लाइक था। हर? हाँ ब्रो एक टाइम पे था, बट इवेंचुअली क्या हुआ कि जब शो खत्म हुआ ना, तो मेरे को काफी चीजें रियलाइज होनी स्टार्ट हुई कि कैसे मुझे झूठ बोला जा रहा है,
काफी जगहों पे और ये सब, कि भाई मेरे मुंह पे कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और चल रही है सब। और वो चीजें तब होने लगी जब ऑलरेडी आई हैव पुट इन अ लॉट आफ्टर दो शो एज वेल, समझ रहे हो? लाइक मैं ऐसा ऐसे इंसान हूँ कि मतलब समझ यार गया। मैं बताता हूँ, जैसे मैं फोन और टेक्स्ट नहीं करता हूँ इतना। जैसे अगर तुमने भी नोटिस किया होगा, हमारी जितनी हमारी सबसे ज्यादा बात हुई है भी मिलके ही, समझ रहे हो? क्योंकि मैं वैसा ही इंसान हूँ, मैं फोन पे, तुमने भी नोटिस करोगे, अपनी मम्मी से भी ज्यादा देर नहीं करता हूँ बात में। मम्मी का भी तुम्हें तो अब खुद आया फोन, नहीं तो मैंने तो नहीं किया था मम्मी को भी फोन। उसके अलावा मैं वैसे भी ऐसे इंसान हूँ कि जो मैं नहीं करता हूँ फोन या टेक्स्ट ज्यादा। तो अभी तो कह उसका रहे हो कि वो लड़ाई इसलिए हुई क्योंकि सुनो फोन सुनो नहीं करते आप? आर यू पहले, सीरियस? या ब्रो पहले, अबे नहीं नहीं मतलब इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर, कि मतलब भाई कि तुम एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो ये सब। तो मैंने कहा ठीक है कोई चक्कर नहीं है, आई स्टार्टेड टेक्सटिंग हर, आई स्टार्टेड कॉलिंग हर मोर ऑफन। बट द डे वी हैड दैट आर्ग्यूमेंट, उसके बाद से उसका कोई खुद से आता ही नहीं था एफर्ट, कि ना कॉल आ रहा है ना टेक्स्ट आ रहा है। तो मेरे को ऑनेस्टली उसको कुछ सुनाना नहीं था। और उसके और ऑब्वियसली ब्रो जब वो कॉल नहीं आ रहा, फोन नहीं आ रहा, मेरे पीठ पीछे पता चला कि कुछ तो चल रहा है भाई, सीन है ना, मेरे को लोग बता रहे थे ये सब। और मैंने इससे एक बार ही पूछा भी, तो उसने डिनाई किया कि नहीं ऐसा नहीं है। क्योंकि ऑब्वियसली यार मैंने जैसे तुम्हें भी पहले भी बताया यार भव्या, कि मेरा से नहीं है उसकी लाइफ पे, उसको क्योंकि जो करना है वो कर सकती है। आप लोगों को कमिटमेंट नहीं था। यस बट इतना तो मैं डिजर्व करता था कि एटलीस्ट वो मुझे सच बताए। तो उसने आपसे झूठ बोला? हाँ एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अभी रिसेंटली भी, अभी जब मैं शाह के उस पे था, इंटरव्यू पे था, तब भी उसने एंड तक यही बोला है कि अभी भी, और मी एंड वाशु आर नॉट डेटिंग, और मी एंड वाशु आर नॉट बट नेवर इट्स एवरीवेयर डेटिंग। ऑन द इंटरनेट। अभी इंटरनेट छोड़ ब्रो, और भी मतलब मैं नहीं जाना घुसना चाहता, मतलब आई और भी थिंक उससे पहले शिविक भी ने बहुत कोई चीजें, लाइफ पर भी बोला है। वो तो है ही है, और भी बहुत चीजें हो रही थी। पर मैं उस चीज के लिए ना उसको वो चीजें उठाना नहीं चाहता था खुद से। बस ये है कि बाहर आके कहीं ना कहीं वो का ऐसे फ्लिप बजेगा, मेरे को नहीं पता था। ऐसे थोड़ा ना अचानक से कोई फ्लिप कर जाता है हिमांशु, मेरे साथ हुआ है भाई, अचानक से वो फ्लिप कर गए शो से निकलते ही बाहर, जैसे शो। शो से निकलती नहीं, मतलब ऑब्वियसली ब्रो कुछ टाइम ठीक चला, हाँ तो बट आई 30 days फील में। लाइक कि अरे मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ, कहीं ना कहीं बहुत दिमाग में रीजंस भी आते हैं कि क्यों वो ये सब कर सकती है, जो मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, तो मैं ऑफ कैमरा बताऊंगा कि क्यों उसके लिए वो फ्लिप कहीं ना कहीं बेनिफिशियल था। अगर तुम्हारे में भी दिमाग होगा ना, तुम समझ जाओगे ये आंसर जो मैंने दिया। बेनिफिशियल था। हाँ कहीं ना कहीं तो बेनिफिशियल बहुत बड़ा वर्ड होता है बोलने के लिए बाय द वे। अगर हाँ, आप बड़ा बड़ा वर्ड लाइक कैसे यार, अगर तुम बताओ, एक अगर तुम्हें एक पार्टनर मिल रहा है जो, और चाहे दोस्त भी हो, कहीं ना कहीं तुम्हें बेनिफिट मिल रहा है, एक इंसान से उतना नहीं मिल पा रहा है, दूसरे इंसान से ज्यादा मिल रहा है, तो तुम प्रेफर करोगे ना, वो पर्सनालिटी पे आता है। यू थिंक वाशु वाज प्रेफरिंग, वाशु वाज मोर, यू नो, आप इनडायरेक्टली ये बोल रहे हो कि नहीं मैं तो ऐसा कुछ बोला नहीं है, मैं वैसे बात कर रहा हूँ। मैंने ऐसे थोड़ी बोला है, ये तो नो तुम सोच रहे हो ऐसा, तुम ऐसा नहीं, सोचते हो क्या? नहीं तुम्हारे दिमाग में है ये, तुम क्या बोलना चाहते हो तुम बताओ, मेरे को ऐसा अभी लगता तुम्हारे शो है, पे तुम्हें फंसा मेरे को तो क्या दूंगा पता हो गया, मेरे को ऐसा लगता है कि आप ये बोलना चाह रहे हो अच्छा कि वाशु ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है आपसे, और उसको, आशिका को वाशु के साथ ज्यादा फायदा होगा आपके साथ रहने से। नहीं मैंने तो बोला नहीं ऐसा, अभी तो बोला। मैंने ये बोला कि हाँ ये कुछ रीजंस हो सकते हैं, ये कुछ रीजंस हो सकते हैं, और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, कि क्या पता वो लोग बॉम्बे ही रहते हैं तो इस वजह से, मैं चंडीगढ़ रहता हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस वाला भी हो सकता है, जेन्युइनली बता रहा हूँ, और भी चीजें हो सकती हैं। तो प्यार है वही ना, सब वो चीजें अब बंदा इंसान सोचते हैं ना, कि क्योंकि मेरे को पता है भाई कि समझ गया, ऑडियंस समझदार होगी, समझ समझ जाएगी, जाएगी। समझ और जाएगी। ऑनेस्टली बोलूँ यार, जैसा तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है, आई नो आई डिजर्व अ लॉट बेटर भाई। अब जैसे मैं बुरा मत मानना, लेकिन यहाँ आने से पहले मेरे को बहुत लोगों ने बोला, जब मैंने बताया कि भव्य को उस पर जा रहा हूँ, तो बोला कि भाई क्या तुम क्या जा रहे हो उसके उस पे। मैंने कहा नहीं यार, अगर इवेंचुअली इंसान मुझे तुम्हारे जानना साथ है ये कैसा कौन है, लोग हैं, मेरे को सच बताऊंगा ना ऑफ कैमरा। तो अरे ऑब्वियसली भाई, किसी के पक्का बाप का थोड़ी खा रहा हूँ मैं, क्यों डरूंगा किसी यार, से। सो पता है मैं जहां तो तो हूं मैं जानती भी नहीं हूँ कि, बट आई वांट टू नो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। हिमांशु, ऋषभ की फाइट हुई थी आपके साथ हिमांशु, एंड पीपल हैव समवेयर सेड दैट ही इज नॉट द सेम पर्सन ही इज ऑन द शो। ऋषभ, हाँ, हाँ भाई कहीं ना कहीं वो काफी ही ज्यादा प्रिटेंड्स टू बी समथिंग ही इज ऑन द शो, बट इन रियल लाइफ ही इज नॉट दिस पर्सन। यार, मेरे को पता है क्या लगता है, प्रिटेंड का तो पता नहीं, पर हाँ वो शो पे और ऑफ द कैमरा, ऑफ ऑन कैमरा ऑफ कैमरा अलग दो लोग हैं। ओके ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों। क्योंकि
पीयूष गोपे भाई ऑब्वियसली ही वाज वेरी मैनिपुलेटिव, ही इज एक्सेप्टेड दैट एंड ही एक्सेप्टेड इज मैनिपुलेटिव। हाँ, अच्छा और वो कहीं ना कहीं ये समझता है ऐसा कि जो बाकी के लोग थे जो वो बोलता था वैसे ही करते थे, तो इन पर्सन जब वैसे इंसान उससे मिलेगा तो वैसा नहीं है वो, मैनिपुलेटिव इतना नहीं है वो, अच्छा, ठीक है। सो यू क्योंकि कहीं ना बेसिकली, तो कहीं उसका स्टेटमेंट वो सही फायदा हुआ। भी है, उसका वो इसमें फायदा भी है, तुम हाँ समझो ना, अगर शो पे अगर वो मैनिपुलेशन करा उसके के लिए, उसके लिए बेनिफिट क्या ना, एंड तक गया भाई वो, बाकी लोग बेकार थे जो अपना दिमाग नहीं चला पाए। अगर मैं तो भाई सोचता हूँ कि अगर मैं रिया मैम की गैंग में चल जाता, ऋषभ की गेम तो मैं कर देता जीरो। तो पॉइंट तो सही हुआ फिर ये। हाँ तो तो बेसिकली पीपल हु आर थिंकिंग दैट ही इज समथिंग ऑन द कैमरा, ही प्रिटेंड्स टू बी समथिंग ऑन द कैमरा, बट ही इज नॉट द सेम पर्सन ऑफ कैमरा। या ही इज नॉट मैनिपुलेटिव इन डू यू रियल थिंक ही इज लाइफ। फेक? फेक बहुत गलत वर्ड है, आई वुडेंट कॉल इट फेक, बट आई वुड आप क्या कॉल इट बोलोगे, आपके कि लिए वर्ड क्या है वो? मेरे हिसाब से वो कहीं ना शो पॉइंट ऑफ कहीं व्यू से बेनिफिशियल, कि उसके लिए वो बेनिफिशियल था वैसा दिखना और वो चीजें करना, दिखना छोड़ो वैसे लेसर वो चीजें पीपल करना। प्लीजर, हाँ तो बिल्कुल वो अपना है ना, मैं उसको यहाँ पे सेफ गार्ड, या उसको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसने जो किया वो सही किया गलत किया, मैं तुम्हें अपना पीओवी बता रहा हूँ कि क्या उसने किया और वो कैसा है। तो बेसिकली वो शो पे उसने किया है भाई, मैनिपुलेट किया लोगों को और अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए किया है। मेरे हिसाब से वो नहीं होना चाहिए कहीं ना कहीं, कि अगर तुम अगर इन रियल लाइफ भी वैसे नहीं हो ना, तो इन रियल लाइफ भी मैनिपुलेटिव या वैसे नहीं हो, तुम्हें शो पे भी वैसे दिखना चाहिए। तो शो पे भी वैसे। हाँ वही, मैं मेरा पॉइंट भी वही था एक्चुअली। सो मूविंग ऑन, एक लड़ाई हुई थी जिसके अंदर सचिन स्टेप इन कर गए थे, उन्होंने अपनी शर्ट वर्ट उतार दी थी और वो शिवित के साथ लड़ने लगे थे, राइट? हाँ डू यू थिंक इट वाज फॉर द फुटेज? भाई, हर चीज पहली बात तो फुटेज के लिए ही है हाँ नंबर 1, ठीक है। आप कह रहे हो हर चीज फुटेज के लिए। हाँ भाई ऑब्वियस ही बात है, कोई शो पे जा रहा है ठीक है, कोई यहाँ पे कोई बहुत बड़ा गैंगस्टर तो है नहीं जो मारपीट करने जा रहा है, ठीक है, हर यू चीज आर सेइंग फुटेज दिस इफ यू पे। आर सचिन्स फ्रेंड, या फिर यू जेन्युइनली अगर लाइक मैं जतिन का फ्रेंड होता, पहली बात तो हूँ, पर अगर उसे मैं ऐसे करना चाहता ना, उसको डिफेंड करना चाहता कहीं ना कहीं, तो मैं ये बोलता ना कि नहीं फुटेज के लिए था भाई, तो वो तो आपको वैसे लगता ही हो है फाइट अननेसेसरी थी? यार। मेरे को पता है क्या लगता है, कोई भी फाइट अननेसेसरी नहीं होती है शो पे ना। तो आप हाँ कह रहे हो कुछ लोग फेक करते हैं, पर वो भी कहीं ना कहीं उनके हिसाब से वो चाहते हैं वो करना, तो अननेसेसरी तो हुआ नहीं ना वो। अननेसेसरी वो फाइट्स हुई जो इंसान चाहते नहीं है, ठीक है, और उसका उसका मतलब ना बने, समझ रहे हो, अननेसेसरी तो यही होता है। पर अगर किसी को मतलब बन रहा है उससे, तो वो उसके लिए हो गई इंपॉर्टेंट। तो सेकेंड, बेसिक कमिंग बैक टू योर पॉइंट, कि कैसे जो लड़ाई थी वो फेक थी या रियल थी, भाई सिंपल सी बात है यार, वहां पर भी हीट हो गई थी चीजें काफी, ठीक है, हाथापाई ऑलमोस्ट हो गई थी, ये सब है ना, उसी फाइट के अंदर ही था जब मैंने ऋषभ का गला पकड़ के धक्का दिया था उसे। मेरा जो क्वेश्चन था कि जब आपने ऋषभ का गला पकड़ के, और व्हाटएवर द फाइट बिटवीन यू एंड ऋषभ वर हैपनिंग, राइट, सचिन वही उसी फाइट के बीच में आते हैं, अपनी शर्ट उतारते हैं और शिवित से लड़ने लगते हैं, हाँ तो यार सो वॉट वो इट वॉज अ क्लियर डिस्ट्रैक्शन? नहीं, मैं बताता हूँ क्या, एक ना तुम्हें जैसे वो एक मीम है ना, क्रोनोलॉजी समझो, ऋषभ का बहुत अच्छा दोस्त है सचिन, हाँ, और शिवेत से कहीं ना कहीं मेरी बहुत बनती थी शो पर। बनती थी शो पे। हाँ तो सीन ऐसा है कि अब मेरे को डिफेंड करने के लिए कहीं ना कहीं शिवेत आ रहा है, और ऋषभ को डिफेंड करने के लिए कहीं ना कहीं सचिन आ रहा है, जैसे कभी लड़ाई होती है, ओके, समझ रहे बस हो। दिस शर्ट पर उतार दी अब जाना वो उसका चाहिए। है भाई, वो सो है, उसको दैट उसको वाज नॉट एन अननेसेसरी फाइट, दैट वाज नेसेसरी फॉर सचिन। एंड शिवित इज वेल कहीं ना कहीं, क्योंकि भाई अब ऑब्वियस ही बात है यार कि तुम, बाकी लोग तो नहीं आए बीच में? हाँ तो बाकी लोगों को बनता भी नहीं था ना, कौन आता बीच में, और इससे हमारे अलावा। हाँ मेरे को पता क्या लगता है, मेरे को लगता है वहां पे वाशु होना चाहिए था, और वाशु को शिवित को सपोर्ट करना चाहिए था, पर अच्छा, नहीं किया। नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसे पता है, क्योंकि उसका अबरिया मैम की गैंग में है, शिवित को सपोर्ट करेगा या फंस जाएगा वो ऋषभ के, उससे तो उसकी फटी कि भाई यहाँ पे करूंगा मैं, कल को आके ऋषभ की वैसे भी ये लोग सुनते हैं, ये तो मेरे को इंटरनल में उड़ा देगा। अब असली भाईचारा तो तब दिखता है ना, जैसे भाई भाईचारा बहुत दिखाते हैं ये लोग कि मैं बहुत ज्यादा क्लोज हूँ, शिवेत भाई है मेरा, ये सब है वाशु ना, साथ दिखाता में है। रहते हैं। हाँ हाँ शिवेत भी दिखाता है, पर हाँ जब एक्चुअल रियलिटी थी ना, जब हाँ गला पकड़ा गया था शिवेत का, हाँ तब कौन आया था? नहीं था, मैं था वहां पे तब। तब बाहर फिर वो सब जाके चीजें कभी कंसिडर क्यों नहीं की गई आपके हिसाब से? कंसीडर किसने नहीं करी है, शिवित ने बाहर वो आके, उसका है यार, मतलब मैं एक्सपेक्टेशन नहीं रखता हूँ भव्या किसी से। आशिका के साथ मैंने अच्छा ही किया है, दिग्विजय के साथ भी मैंने अच्छा ही किया है, पर लोग तो शिवेत के फिर भी साथ भी कहते अच्छा हैं कि ही किया है। दिग्विजय
आपकी वजह से निकला। अरे वो एक आंटी है जो तुमने बताया ना बस। और मेरे हिसाब से कि ऑब्वियस ही बात है यार, वहां पे उस दिन मेरे हाथ में थोड़ी था कि दिव्य जाएगा या मैं जाऊंगा या नीरजा जाएगी, वो हाथ में था प्रिंस गैंग के, और मेरे प्रिंस गैंग से बनते थे। अभी इसी चीज को घुमा के ऐसे सोचो कि अगर रिया मैम की गैंग सेव होती है, रिया मैम के पास ऑप्शन होता है ना सेव करने का, तो वो दिग्विजय को करते, फिर हाँ। लोग दिग्विजय को बोलते। ऐसा है नहीं ना यार, थोड़ा थोड़ा दिमाग चाहिए होता है चीजें एनालाइज करने के या लिए। कमिंग बैक, वाशु वाज नॉट देयर दैट डे टू सपोर्ट शिवित। भाई कभी भी नहीं था ब्रो शो पे, तो मेरे को एक दिखा बताओ जहां पे उसने जेन्युइनली ऐसा किया हो, तो कि आपको लगता है ये जहां पे गलत उसमें उसका खुद का बेनिफिट ना हो रहा हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने हमारी गैंग में मेरे को वोट डाला, ठीक है। अब कहने को टेक्निकली देखा जाए, अगर वो जेन्युइनली शिवेद को सपोर्ट करता, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम सोचो तुम रोडीज पे हो, तुम्हारा एक फेवरेट है, तुम्हारा एक भाई है, तुम उसके आसपास के लोग उड़ाओगे तो उसका नुकसान ही है ना, थोड़ा दिमाग वाली बात है। पर वो क्यों करता था वो, क्योंकि उसे पता था इवेंचुअली कि भाई नहीं इतना मैटर करता भाई, सिंपल भाईचारा होता है। जैसे ऋषभ ने सचिन के साथ निभाया तो निभाया चौड़ में भाई, ठीक है। और मैं तो आपको, बोलता हूँ आपसे मुझे एक क्वेश्चन है, आप रियलिटी शो हाँ करके आ गए हो लाइक, ठीक है, आपको लगता है बाहर आके लोग कपल बनते हैं, फ्रेंडशिप चलाते हैं, और यू नो टू यू नो ऑडियंस को लाइक मनजाने के लिए, वट एवर द वर्ड इज, कि मोनेटाइज होता रहे सब कुछ, हाँ लाइक यार चैनलाइज बिल्कुल लगता है आपको? हाँ तो भाई। आपको लगता है अब दोस्तियां भी काफी फेक होती हैं जो बाहर आते हैं? यार वो ना लोगों पे डिपेंड करता है। अब जैसे मैं हूँ तो मैं ना फैक्ट्स बताता हूँ, अगर मैं शो के बाद आशिका के साथ बनाता कंटेंट पेल के, जो मैंने अभी तक एक ही रील डाली है, उसके अलावा वो भी तब बनी थी, मैं इनिशियली सबसे पहले उससे एक बार शो के बाद इंस्टेंटली मिला था, उसके बाद से कोई मैंने साथ कंटेंट नहीं बनाया, उसके बाद मैंने उसे अनफॉलो भी कर दिया, रिमूव भी कर दिया। तो किसने किया था पहले अनफॉलो? तुमने उसने मेरे को अनफॉलो नहीं किया था, मैंने उसे अपने किया? अकाउंट से उसे रिमूव किया भाई, ओके ठीक है, और ओके, अनफॉलो भी खुद ही किया है। अच्छा हाँ ठीक बिल्कुल है। चाहिए ही नहीं था वो, हाँ और मैं उसे ब्लॉक करने जितनी इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहता था, मुझे भी लगता है ठीक कि है। ब्लॉग बहुत बड़े वर्ड हाँ यार है ब्लॉक ही। करने के लिए कम, अरे नहीं मतलब ब्लॉक करने के लिए, एक इंसान को तुम अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए हटा रहे हो तो इतना इंपॉर्टेंट भी होना चाहिए ना यार, समझ रहे हो, कि भाई ये इंसान मेरे को अगर दिख गया भाई मेरे तो गांड ही फट जाएगी। वो वोला सिंह नहीं था यार, कहीं ना कहीं वो एक एक स्टार्टिंग एज, एक स्टार्टिंग पॉइंट था जहाँ पे हम लोग हो सकते थे कि इतना बन जाते। तो मैं अगर आपको तो मोनेटाइज, मैं सॉरी टू कट यू ऑफ, मैं अपना बस पॉइंट कंप्लीट करूंगा एक बार एक ही सेंटेंस में, कि अब ये लोग वाशु आशिका ये सब बना रहे हैं, ठीक है, इन्हें पता है इससे बेनिफिट है, अगर इन्हें जेन्युइनली इतना इनका बॉन्ड होता तो शो में क्यों नहीं था। वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। हाँ तो करते ऑब्वियसली भाई, ठीक है, पर बाहर आके ये सब कर रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है इससे फायदा होता है। पर मैं वैसा नहीं हूँ भाई, अब तुमने नोटिस करा होगा बाहर आके दिग्विजय और मैं एक ही जगह पे रहते हैं चंडीगढ़ में, दिग्विजय और मेरी कहीं ना कहीं इतनी लड़ाई भी नहीं हुई है, अच्छा पर यू विल स्टिल नॉट सी मी मेकिंग कॉन्टेंट विद दिग्विजय। वाई? बिकॉज इन द शो ही डिड से लॉट ऑफ बैड थिंग्स अबाउट मी, और जो कैमरा पे नहीं है पर मुझे याद है और उसे याद है, अच्छा उसको भी याद है। उसको भी याद है, तो वो मैं इन रियल, अब वो कैमरा पे आए ना आए मेरे को नहीं फर्क पड़ता, पर मुझे पता और मेरी रियल लाइफ भी मैं वैसा ही हूँ जो ऑन कैमरा ऑफ कैमरा हूँ, तो ओके तभी मैंने नहीं बनाया कंटेंट, तभी अच्छा मैंने नहीं दिखाया। दिखाने को मैं दिग्विजय दिखा सकते थे, भाईचारा था ना शुरू में तो ठीक है, हम इस शुरू में क्या भाई, एंड तक जो एक पत्तों वाला टास्क था, मैंने अपनी इम्यूनिटी से पहले उसके लिए इम्यूनिटी लेके आया था मैं, अगर लोगों को याद हो तो करने को हम कर सकते थे ये, पर नहीं ना भाई, क्योंकि वो बंदे टू बंदे में मैटर करता है भव्या, कि तुम अटेंशन के लिए क्या क्या कर सकते हो, हाउ लो यू कैन स्टीप अकॉर्डिंग टू मी। ओके दिग्विजय, आप दिग्विजय की और आपकी जो लड़ाई थी, जो आप हाँ कह रहे हैं, जो जो डिफरेंसेस है हाँ वो नहीं दिखाया आप कह रहे हो, ब्रो या लड़ाई वो नहीं था थी क्या? नंबर वन बेसिकली, अब ये ना कैमरा पे नहीं आया, तो हाँ जब जिस दिन दिग्विजय गया ना उस दिन टाई हुआ था, अगर तुमने शायद वो एपिसोड देखा हो, मैं बताता हूँ, मैंने मेरे में दिग्विजय में और नीरजा में, तो वहां पे पिच बोला उन्होंने कि पिच करो, मेरी पिच ये थी कि भाई मैं डिजर्विंग हूँ, मैंने सारे टास्क किल किए हैं, और उसी दिन वाला टास्क था जो वो बॉम्ब वाला टास्क था जो मैंने फाड़ा था गौतम के सर की गैंग में, सिर्फ मैं ही जीता था वो, और मेरी ये पिच थी कि स्ट्रॉन्ग कंटेंडर ये वो, दिग्विजय की पिच ये थी कि हिमांशु तो शो में आना ही नहीं चाहता था। हिमांशु शो में आना ही नहीं चाहता था, क्यों? बट दिस इज आउट ऑफ नोवेयर। बेसिकली वो ये दिखाना चाहता था कि इसको इतनी वैल्यू नहीं है जितनी मुझे है शो की। ओ बट उसको कैसे बताइए? उसने, यार देखो, अगर कोई इतना बड़ा स्टेटमेंट मार रहा है तो उसको आपने कुछ बोलने के तो, पैसे थोड़ी लगते हैं या बोल रहे हो उसने झूठ बोला है ये? ऑब्वियसली भाई, मेरे पास फोटो पड़ी हुई है 2018 की, जब मैंने ऑडिशन दिया है 2018 में? 2018 क्या ना सॉरी, जब मैं 18 साल का था जब मैंने ऑडिशन दिया है, तो वो चीज नहीं आई कैमरा पे,
पर वो कैमरा पे आए भव्या ना आए, मैंने जैसे तुम्हें बताया ना, जो मेरे बारे में उल्टी चीजें बोलते हैं मैं ताउम्र याद रखता हूँ, और चाहे वो शो के अंदर हो चाहे शो के बाहर हो, मैं नहीं भूलता हूँ भाई। तो आप कभी मुड़के नहीं देखते, ना भाई, सिंपल सा पॉइंट है यार मेरा, सिंपल पर सा आप ऋषभ लॉजिक के है। साथ तो मुड़के लोगों देखे। की फितरत, तो मैं वही बता रहा हूँ ना कि बेसिकली शो पे अलग और बाहर अलग था। शो पे था वो मैनिपुलेटिव, पर वो बाहर नहीं है वैसा। बट दिग्विजय समरी यू विल नेवर लुक बैक टू। लुक बैक वाला सीन यार, मतलब ऐसे कोई हेट नहीं है उसके प्रति, हाँ बस मेरे को वो, हाँ वो चीज बहुत बुरी लगी कि उसने वो चीज जो बोली, ऑब्वियसली आप एक शो पे और आ रहे हो। उससे ज्यादा बुरी ये लगी कि टिल दी एंड ना मैंने उसको करा बैक। चाहे तुम कोई भी लड़ाई देख लेना, हमेशा उसकी बैकिंग दी है मैंने। तो आपको बेसिकली बिट्रेयल ऑफ कोई फ्रेंडशिप भी, हुआ है। हाँ कोई भी टास्क देख लेना, आई हैव नेवर ट्राइड कि भाई ऐसा हो कि बस ये निकल जाए और मैं बच जाऊं। अच्छा आपने हमेशा उसे सपोर्ट किया। हमेशा अपने जितना ही वैल्यू दिया कि अगर मैं सेफ हो रहा हूँ, आई ऑल्सो वॉन्ट हिम टू बी सेफ। जिस दिन वो निकला था ना, उसी दिन हमारी पूरी की पूरी जो गैंग थी, कोई उसे पसंद नहीं कर रहा था। सबने बोला था आज हम इंटरनल मारेंगे वोट, अच्छा और मैंने कहा था भाई गलत है। और मैंने फिर उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समझाया था, ठीक है कहीं ना कहीं क्या ये आई, ये भी भैनचोद कैमरा पे था पर ये आया नहीं। जब मैंने सबसे पहली बार क्वेश्चन पूछा था एडिट में कभी कभी आपको डिसअपॉइंट होता है, तो जैसे ये सारे एडिट्स थे ये आए नहीं, जब ऑब्वियसली दिग्विजय आउट हुआ, दिग्विजय काफी फेवरेट था ऑडियंस का, ठीक है तो आपको हेट तो मिली होगी। नहीं मेरे को क्यों हेट मिलेगी, बस मेरे को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये हुई कि यार तुम्हें वो चीज जरा दिखानी बहुत जरूरी थी मेरे हिसाब से, ठीक दैट्स व्हाट आई है। सेड। कहीं ना कहीं जैसे अब शो पे ऐसा दिखा है कि, या इसने बाहर आके भी दिग्विजय नहीं दिखा, इसने कभी साथ नहीं दिया। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मैंने वो पत्ते वाला टास्क की मैं तुमसे बात कर रहा था, अगर मैं चाहता सबसे पहले अपना लेके आ सकता था, खुद सेफ होता, ठीक है मेरे को कोई जरूरत ही नहीं थी भाई। पर फिर भी मैं दिग्विजय का पहले इसलिए लेके आया क्योंकि मेरे को ये था कि कहीं ना कहीं उसकी ज्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं बाहर वालों से। जब तुम किसी को अपना मानते हो ना, तो तुम उसको इतनी वैल्यू देते हो, तो दिग्विजय की नहीं बनती थी वहां पे किसी से। नहीं बनती थी। अब यार उसकी लड़ाइयाँ होती नहीं थी क्या यार प्रिंसर की गैंग से? तो मेरे को लगता था कहीं ना कहीं वो, क्योंकि लड़ाइयाँ उसकी हो रही हैं, तो मैं तभी इसको, उसको सेफ गार्ड कर रहा था, उसे प्रोटेक्ट कर रहा था अपने शेल में। बट क्यों प्रोटेक्ट कर रहे थे, आपकी फ्रेंड हाँ भाई, थी या भाईचारा कुछ? था मेरा उसके साथ, अच्छा क्योंकि चंडीगढ़ में मैं उसे शो से पहले से जानता हूँ, ये ठीक है शो में जाने से पहले से जानता हूँ मैं उसे। तो वो चीज थी, और वो तभी मुझे इतना बुरा लगा कि यार तुम कुछ भी बोल रहे हो यार, बताओ शो में टिकने के लिए। वो तो बहुत बड़ा बिट्रेयल है टेक्निकली तो तो। हाँ बहुत बड़ा था यार, और वो वाली चीज मेरे को अभी भी, और जितनी बार हम उसके शो के बाद भी काफी बार मिले, और मैंने तब भी उसे ऑन द फेस भी यही चीज बोली कि तूने वो गलत करा है भाई। हिमांशु शिवित एज अ पर्सन, आप बीच में ना बहुत स्टोरीज डाल रहे थे, ऑब्वियसली आई तो फॉलो यू, सो ऋषभ के साथ आपने डाली, बट नाउ वी सी यू आर टुगेदर, डिफरेंसेस आर मेंट, एवरीथिंग एवरीथिंग इज फाइन। शिवित के साथ आपका कैसा बॉन्ड है और आपकी इतनी लड़ाइयां हुई हैं शिवित के साथ, सो व्हाट डू यू थिंक द व्हाट वाज दैट वन फाइट दैट हर्ट यू द मोस्ट, जो आपको शिवित की एक बात जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। आप सब कुछ डिसरिगार्ड कर सकते हो कि हाँ भाई ठीक है ये तूने कर दिया, शो है गेम है ठीक है सब कुछ ठीक है, बट भाई ये नहीं करना चाहिए था, वो क्या था? यार मेरी और शिवित की ना ऐसा लड़ाई नहीं हुई है जो तुम्हें बताऊं, पर मेरे को कहीं ना कहीं लगता है ये कि कुछ चीजें जो उसने की है ना, आई वुडंट वांट टू बी फ्रेंड्स विद समवन लाइक दैट, व्हाई बीइंग रियली व्हाट ऑनेस्ट। थिंग? जैसे यार कुछ, जैसे वो उसने लाइफ पे जाके बोला, सचिन को बोला कि मैं तेरी बंदी की चाटी डाल दूं, हाँ दैट वाज रॉन्ग। हाँ तो मतलब वो चीजें हैं कहीं ना कहीं। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मेरे को जब प्रिंस भाई ने भी बोला था कि उन्होंने बोला था कि यहाँ पे ये शिफ्ट हो शिविर ने जाओ, जो लाइव गया था सुन सुन शिविर। सुन एक बात, हाँ तो प्रिंस भाई ने बोला था कि शिफ्ट हो जाओ मुझे, उन्होंने शो पे ही बोला था ये कहाँ पे? अपने फ्लैट पे, आपके फ्लैट, उन प्रिंस के फ्लैट? उनके प्रिंस का एक फ्लैट है हाँ वहां हाँ पे, तो उन्होंने बोला था शो पे ही बोला था कि तू आ जाइयो वहां पे ये वो। हाँ पर मेरा सिंपल सा फंडा था, अब ये लोग भी वहीं पर ही हैं, मेरी प्रियंका से नहीं बनती। शिविर एंड ऑल एवरीबॉडी इज देयर ओनली। यस, जिस फ्लैट में रह रहे वो मेरे को पहले इन्होंने, प्रिंस भाई ने बोला था शो के दौरान ही, ओके पर मैं नहीं गया क्योंकि यार मैं नहीं चाहता हूँ ऐसे लोगों के साथ रहना। ऐसे लोग मतलब ऐसे लोग मतलब कि यार कहीं ना कहीं प्रियंका से ऐसे लोग हैं जो मेरे को दिल से नहीं पसंद, बट द रीजन आई एम नॉट फॉलोइंग हिम, द रीजन यू आई नेवर फॉलोड एम, हिम? नहीं, आई डिड हाँ इनिशियली, पर जब पता लगती है ना चीजें हाँ ये सब, तो फिर करा अनफॉलो। और वो वाला सीन था कि यार सिंपल से चीज है कि मेरे हिसाब से ना, मैंने जैसे तुम्हें आती जब हमारी ऑफ कैमरा बात भी हो रही थी, मैं इंसान को करता हूँ जज उसके ऑरा से, उसके एक्शन से। शिविर का तो ऑरा वो वाला कैसा है? सीन ब्रो, औरा तो पता नहीं, पर मेरे को लगता है वही वाली चीज है कि वो कहीं ना एक एक छोटे सर्कल में रहा है,
उसको वो एक्सपोजर नहीं मिला है, वो कुछ 4-5 दोस्तों में ही रहा है, तो उसकी वो सोच और कहीं ना कहीं जिन चीजों के बारे में बात करता है वो थोड़ी कहीं ना कहीं लिमिटेड है। और थोड़ा बहुत मेरे को लगता है वो इमेच्योर वाला सीन भी है कि जब तुम बाहर निकलते हो ना, तुम जेन्युइनली तुम लाइफ फेस करते हो, तो तुम्हें बहुत चीजें सीखने को मिलती है। तुम 4 लोगों से मिलते हो, तुम्हें चीजें जैसे मिलती हैं सीखने को, है ना, तो वो कहीं ना कहीं लिमिटेड रहा है मेरे को लगता है शिविद की लाइफ में। ये आपको लगता है हाँ बीच में एक सिचुएशन होती है जिसके अंदर आशिका ने एक मीडिएटर का रोल प्ले किया था, मीडिएटर, अरे वो जब ऋषभ से लड़ाई हुई थी, हाँ उसके बारे में आपको बताओ। तो भाई बेसिकली हुआ ये था कि ऋषभ ने आशिका को बोला कि मैं हिमांशु को बहुत चीजें बोलना चाहता हूँ पर बोलता नहीं हूँ क्योंकि मेरी तुम्हारे से बॉन्डिंग बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पे उसने ट्राई किया आशिका को मैनिपुलेट करने का, और उसने आके मुझे बताई ये, तो पहले तो मैंने आशिका ने आपको बताई। हाँ कैसे करके, तो मैं तो मेरे को पता पकड़ गया, ठीक है मेरे को तो लग गया पता कि भाई ये किस रीजन से आई है बात मेरे तक और क्या पर्पस है इस बात का, क्या रीजन है, क्या ठीक पर्पस है। है मैं समझ गया। तो मैंने आशिका को पहले तो भाई बोला कि भाई ये कहीं ना कहीं तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, ऑब्वियसली उसका फायदा है ना भाई। अब वो आके मुझे बताएगी, अब 2 सिनेरियोस बनेंगे भव्या, या तो मेरी और आशिका की लड़ाई होगी यहाँ पे, मैं उसे बोलूंगा कि भाई तूने मेरी बैकिंग क्यों नहीं ली, तूने मेरा सपोर्ट क्यों नहीं किया, ठीक जेन्युइनली यही है होगा। ना, या फिर मैं जाके ऋषभ से लड़ूंगा कि तू कर सकता है ये वो, है ना। उसने बोला था तो गैंग के बंदे ही थे दोनों आप लोग। दोनों में इसका प्रॉफिट, क्योंकि उससे लड़ूंगा उसे मिलेगी अटेंशन, उसे मिलेगी कैमरा पे फुटेज, ठीक है, और अगर मेरी और आशिका की लड़ाई होगी वो भी अच्छा तो है। भी अच्छा है, समझ रहे हो। तो मैंने तो पकड़ लिया, पर मैंने क्या किया, मैंने उससे आके लड़ाई नहीं की, मैंने उसको ना पॉइंटर ही मारा, मैंने उसको सीधा मुंह पे बोला भाई एक बात बताओ। सो बेसिकली यू थिंक यू गॉट इट दैट ऋषभ वाज डूइंग इट हाँ इंटेंशनली फॉर ऑब्वियस यार, अटेंशन, बताओ अगर मेरे को बात बताओ। उसके बाद ना तुमने देखा मतलब होगा आशिका को ट्रस्ट कर रहा था और आशिका आपके साथ क्लोज थी। वो ट्रस्ट नहीं कर रहा था, वो बेनिफिट निकाल रहा था आशिका से, और आशिका को समझ में नहीं आया। मैंने उसे समझाया और उसे एंड में जाके समझ में आया जब ऋषभ ने अपॉलोजी किया। मैं तुम्हें पूरी स्टोरी बताता हूँ। तो बेसिकली तब मैंने गया ऋषभ के पास, मैंने कहा भाई देख सिंपल सी बात है, तूने तो बोला झूठ, ठीक है, अच्छा क्योंकि अगर ये, अब मैंने उसकी उसी की बात पकड़ी और उसी को उसी की बात में घुमा दिया, क्योंकि उसने आशिका को ये बोला कि मैं बहुत चीजें बोलना चाहता हूँ। फिर मैंने कहा भाई ये तो झूठ है, क्योंकि उस मम्मी वाले टास्क में इसने गालियां दी हैं, मैंने कहा ये तो फॉल्स क्लेम है, तो तूने झूठ बोला है। फिर मैंने वो बात घुमाई कि कैसे आशिका को रियलाइज हो कि तेरा यूज कर रहा है, फिर मैंने वो बात सामने लेके आया, मैंने कहा तू अगर मेरे को जेन्युइनली बोलता, तेरे में इतने गूदा होता ना, तो तू मुंह पे आके बोलता, पर तूने इसके थ्रू बोली क्यों, क्योंकि तू चाहता था मेरी और आशिका की लड़ाई हो, लड़ाई तो मेन रीजन यही था कि आपकी और आशिया की लड़ाई कराना चाहता हूँ। या फिर अटेंशन मिल जाए, दोनों सिनेरियो में बेनिफिट उसका। तो ऋषभ अटेंशन सी करता। भाई उस टाइम पे ऑब्वियस यार, एक बात बताओ, टास्क अच्छे नहीं, वो उसको भी पता है मुझे भी पता है कि वो टास्क मैंने ही किल किया था, अच्छा ठीक है, वो रो रो के जीते जैसे मर्जी जीते, पर उसे पता था कि ये किया तो किया हिमांशु ने किल, तो बाद में आके उसे टेंशन मिलनी है ऐसी थी। तो बेसिकली आशिका इज द रीजन, हैव यू एवर थॉट इट लाइक दैट दैट हाँ ब्रो आशिका ऑब्वियसली आई इज द फील है कि अगर रीजन। आशिका थोड़ी दिमाग से स्ट्रांग होती ना उस टाइम पे, तो पहली बात तो वो उसे बैकिंग दे, मेरे को बैकिंग देती, बोलती कि भाई तू चूतिया है, कैसे बोल रहा है भाई मेरे दोस्त के बारे में ऐसा। ऑब्वियसली यार मेरे सामने कोई बोलेगा आशिक ये कि भाई कि आशिका तो फिर कितना उसको बेकार इंसान है, आशिका इतनी बेकार इंसान है, और मैं तो तुम्हारे घर के नहीं बोलता हूँ, तो मैं तो बोलूंगा कि भाई पहले तो तू तू कौन है भोसड़ी के, समझ रहे हो, तो वो वाली बात होनी चाहिए थी। अब वो कहीं ना कहीं नहीं हुई, फिर उसके बाद आके मुझे भी बता रही है। ओके नाउ हिमांशु, देयर वाज दिस फाइट यू हैड विद गैरी, ठीक है। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, एक तो आपकी और गैरी की एक फाइट हुई थी, उसके बारे में लाइक ऑडियंस हैड लॉट ऑफ कंफ्यूजन बिकॉज़ गैरी इज ऑडियंस फेवरेट। गैरी पहले से एक रियलिटी शो करके आते हैं, ठीक है, तो एंड ही काइंड ऑफ हैड अ पर्सनालिटी जो लोग उसको पसंद करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज मेरा इसका जो क्वेश्चन है वो ये है कि गैरी की एविक्शन ज्यादा आपको हार्ट ब्रेकिंग लगी या दिग्विजय की एविक्शन आपको ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग? गैरी की एविक्शन मेरे को मैटर ही नहीं करती थी, पूरा शो में रहे ना रहे, उसको टास्क में मैंने पेला है, हराया है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, ऑडियंस का फेवरेट कोई भी हो मेरे को नहीं फर्क पड़ता है, मैं अपनी ऑडियंस का फेवरेट हूं पहले से। अगर उसको जिंदगी में, मैं तो कहता हूँ करोड़ों लोग मिले सपोर्टर, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता है, पर मेरे पास अपने सपोर्टर है, तो मेरे को उसका गर्व है, और उसकी वजह से ही मेरे को किसी के बाप का डर नहीं है। सेकेंड जो फाइट हुई थी, फाइट पे मैं तुम्हें बताता हूँ, बेसिकली जो जेनुअनली बताऊं तुम्हें एक रीजन, गैरी ना इन पर्सन इज अ स्वीट हार्ट, इन बट पर्सन इन पर्सन इज अ स्वीट हार्ट, ऑफ कैमरा इज अ स्वीट हार्ट, बट द रीजन वाई हर कोई, तुमने देखा होगा कि ये बोल रहे हैं कि वो शो पे फेक लड़ रहा था,
कि वो कहीं ना कहीं उसकी इमेज भी बेकार दिखे। क्यों? क्योंकि वो जब उसने स्प्लिट्स किया ना, स्प्लिट्स के बाद उसे हुआ कि यार मैं दिखा नहीं इतना, फैक्ट मुद्दे की बात है, फैक्ट है, नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? अच्छा क्योंकि लड़का था, बॉडी अच्छी पॉइंट ऑफ थी, व्यू डांस नहीं करता था, क्यों नहीं दिखा? क्योंकि लड़ता झगड़ता नहीं, पॉइंट ऑफ व्यू रखता था। तो ये वो भरता गया उसके अंदर, वो भरता ओके गया, गॉट वो इट। जैसी रोडीज पाया और वो फटा कि भयंकर, मैं तो दिखूंगा और मैं फटूंगा। अब वो बैकफायर कर गया क्योंकि लोग जिस चीज के लिए उसे पसंद करते थे ना, उसने वही छोड़ दी। कोई भी देख लेना जो जेन्युइनली एक रोडीज को सिर्फ देखता है ना, वो समझ जाएगा कि कैसे वो फुटेज के लिए कर रहा था। उसके दोस्तों ने अच्छा भी माना है, वो खुद भी ये बोला है भाई, खुद भी उसे पता है ये चीज कि अगर वो लड़ाई नहीं करता टास्क, वो सारे हार रहा था। वो हार रहा था सारे कोई रास्ते। भी टास्क जीता ही नहीं है वो जब से शो पे आया। उसके बाद वो कोई उसका कोई कोई ऐसा था नहीं कि मान लो एक होता है ना कि अब जैसे मेरा कहीं ना कहीं गौतम सर से बनती थी, या मेरी आशिका के साथ भी थोड़ा बहुत वो था, उसका कोई था ही नहीं ऐसा सीन। कोई उसका प्रायोरिटी नहीं था, कोई उसका फेवरेट नहीं था। तो वो उसको पता था कि जब तक वो उसके हिसाब से उसकी सोच ये थी कि वो जब तक लड़ाई नहीं करेगा, झगड़ा नहीं करेगा, वो शो पे दिखेगा नहीं। बट दैट्स अ बुल फाइट। हाँ कहते हैं ना, जो अच्छे होते हैं उनके साथ बुरा नहीं होता है। गैरी मुझसे लड़ा बाहर, अगले दिन रूपा मेरे से लड़ी बाहर, अगले ही दिन। उसके अलावा दिग्विजय, उस दिग्विजय से भी मेरी बहस हुई थी कि ये सब बोला इलेक्शन वाले टाइम पे, वो भी बाहर हो गया। प्रियंका मेरे से लड़ी उससे एक दिन पहले, प्रियंका भी बाहर। आप इसे फ्लेक्स करते हो। हाँ भाई ये मेरा कर्म है भव्या, ये मेरे कर्म है। एक और इंस्टेंस बताता हूँ यार, ये अब एक बात, रोडीज जैसे शो पे ना एक लाइन अप बिछावे कि आज इसको वोट आउट करना है, दो लोग नाम लिखना भूल जाए, बताओ हो सकता है? नहीं नहीं हो सकता है ना, पर नहीं ये हुआ। नंबर वन प्रायोरिटी पे मेरे को निकालना था उन्होंने, जिस दिन दिग्विजय गया है, 8 हो गए 8 वोट मेरे पे डलने थे, दो लोग नाम भूल गए, दो लोगों को लगा दिग्विजय को डालना है, दिग्विजय को डाला, टाई हुआ। उसके बाद भी देखो भगवान ने कैसे साथ दिया कि जो सेफ है लोग वो बचाएंगे मुझे, और सेफ कौन लोग, जो सारे अपने हैं, प्रिंस गैंग से बनती थी मेरी। तो अब है ना इसमें भगवान का हाथ। जो लास्ट वाला सेमीफिनाले वाला वोट आउट भी था, सेमीफिनाले से पहले वाला, उसके अंदर क्रोनोलॉजी ये बैठी कि सबसे पहले गई प्रियंका, उसके बाद गया सचिन, सचिन के बाद गई याशिका, उसके अलावा उसके बाद गई तनु। इसमें कोई भी एक इंसान आगे पीछे होता ना, तो मेरा पत्ता कट ही कट था। मैं बताता हूँ, प्रियंका से मेरी नहीं बन रही थी तो वो मेरे को निकाल सकती थी, ठीक है, अगर वो निकल जाती बात ही खत्म। उसके अलावा अगर प्रियंका सचिन को निकाल रही थी, वो तनु को भी निकाल सकती थी, क्योंकि मेन तो बस अपनी गैंग को बचाना था ना। तनु को निकालती, तनु सचिन को नहीं निकालती, और तनु को प्रिया मैम बोलती कि हाँ यार एक गेम के अंदर लड़की तो होनी चाहिए, और तनु खुद भी यही कह रही थी एंड तक, तो वो भी मुझे उड़ाती, तब भी मैं जाता। तो उसके अलावा ऑब्वियसली यार कोई भी एक, मैंने जितने भी कैलकुलेशन किए ना, कुछ भी होता ना एग्जैक्ट ऑर्डर के अलावा, तो मैं चला जाता, पर नहीं हुआ क्योंकि भाई वो वाहेगुरु देखता है भाई। When it comes to Gary, do you feel like no looking back, nothing, नहीं whatever ब्रो, is done is done? वही वाली बात है ना, वो शो पे कुछ और था और इन रियल लाइफ कुछ और है। पर उससे फर्क क्या पड़ता है? शो पे आदमी कैसा भी हो, रियल लाइफ से बहुत फर्क, आप मतलब जैसे मेरे को आपने फर्क ऋषभ को पड़ता दोस्त है, बनाया। दोस्त नहीं बनाया। ये है कि कहीं ना कहीं ऋषभ अभी भी, अभी मैं फॉलो नहीं करता हूँ ऋषभ को, अच्छा ठीक है, उसके बर्थडे पे भी गया था मैं, पर वही वाली बात है ना कि यार कहीं ना कहीं सिंपल सा पॉइंट है यार, मेरे हिसाब से कहीं तुम ना कहीं जैसे आपको शो पे ऐसे हो वैसे बाहर रहने चाहिए हो, बट ठीक वही तो है। मैं कह रही हूँ, आप बाकी लोगों को चांस दे रहे हो, आप गैरी को क्यों नहीं दे चांस रहे? थोड़ी दी, अभी भी मैं ऋषभ का दोस्त थोड़ी, वही तो तुम्हें बताया मैंने। मतलब इट्स जस्ट कॉर्डियल आल्सो। अगर कोई मेरे को अच्छे से बुलाएगा ना भव्या, तो मैं अच्छे से उससे मिलूंगा, अगर कोई मैं अच्छे से इनवाइट करेगा मैं उससे करूंगा। लेकिन हाँ, क्या मैं खुद से कोशिश करूंगा उन लोगों के साथ रहने के जो रियल लाइफ और बाहर लाइफ में ऋषभ रहेंगे? ने कोशिश करी हाँ आपकी, भाई, उसने मेरे को बुलाया अपने बर्थडे पे, उसने मेरे गुड को बात स्पेशली बोला, गुड बात। अच्छे से बोला, तो मैं गया। ओके नाउ वन मोर क्वेश्चन, अगर आशिका बीच में नहीं आती ठीक है, तो वाशु और आपकी दोस्ती हो सकती थी? मेरे को वाशु अच्छा लड़का लगता है, मम्मी कसम भाई, मेरे को कोई हेट नहीं है। मेरे को लगता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा इमेच्योर है, वो चीजें समझ नहीं पाता है, अभी भी नहीं समझ पा रहा है। आशिका भी थोड़ी इमेच्योर है, क्योंकि भाई जेन्युइनली बताऊं ना, बहन जो शो विनर है वो, और तब भी वो दब दब के ही रहते हैं इन सबके नीचे, शिवेत हो गया, प्रियंका हो गई, ठीक है। वो तो है, क्यों? क्योंकि भाई बिकॉज़ उसमें ही डजंट हैव दिमाग अ ही नहीं। स्पाइन। हाँ सेम थिंग सेम थिंग सेम थिंग सेम, ऑन रिपीट चल रहा है ये तीन तीन अब वीक से। क्यों? क्योंकि यार वो दिमाग नहीं है उस बेचारे में, थोड़ा इमेच्योर है वो, पर दिल का बुरा नहीं है वो आदमी, ये मेरे को पता है, तो वही तो मैं पूछ ठीक रही हूँ कि है। आप अगर कि आशिका अगर बीच में नहीं आती तो वाशु और आप दोस्त होते? अभी भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी भी दोस्ती रख सकता हूँ भाई मैं उससे, मेरे को अभी भी अगर वो अच्छे से बात करेगा मैं अच्छे से ही करूंगा बात। बस प्रॉब्लम ये है कि जिस अभी वो क्राउड में है ना, वो
अच्छा, आपको बेसिकली वो पूरा लोगों से वो समझ गई मैं। समझदार हो यार तुम। ओके हिमांशु, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक यू आर अ कर्मी और अ कांडी? तुम्हें क्या लगता है, पहले तुम आंसर करो मेरे मेरे। को तो बहुत कांडी लगता है। भाई मेरे को मजा लगता आएगा है, तुम्हारे साथ गेम खेलने में, मुझे ऐसा लगता है। भाई मेरे को लगता है आई एम द बेस्ट ऑफ बोथ। आई डोंट फील लाइक, अगर आप ज्यादा चेचे चेचे चे करने लगते हो ना शो के अंदर, सो ऑडियंस कहीं ना कहीं दे लव यू एज लाइक अ व्यूअर, कि अच्छा हाँ, एंटरटेन कर रही पर है, अपना कर नहीं रहा है, मानते पर इतना अपना कहीं। नहीं मानते। कहीं हाँ ना कहीं आपने वो दोनों चीज ले ली, तो मुझे तो आप कांडी लगते हो, बट बाकी आप बता दो। भाई मेरे हिसाब से मैं जैसे को तैसा हूं कि अगर कोई सामने वाला बंदा कर्मी होगा तो कर्मी हूँ भाई, पंजाबी हूँ मैं, दिल खोल के प्यार देता हूँ। पर अगर कोई कांडी है तो उसका बाप हूँ भाई मैं। तो मेरे को किसी इंसान को ये भी पता है कि अच्छे से कैसे ट्रीट करना है मुझे, किसी इंसान को बुरे से कैसे ट्रीट करना है, कि सबसे वर्स्ट कैसे करना है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आई फील लाइक आई एम द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। तो मेरे साथ अच्छे हो तो भाई आपने करेंगे। जवाब नहीं दिया, जवाब दिया ना, दोनों हूं मैं, दोनों नहीं है, क्यों एक नहीं है भाई? नहीं यार, जवाब पे तुम्हारा सवाल ही गलत है। एक क्यों पिक करना है, क्यों नहीं, इंसान कर्म? एक और अब तुम बताओ, सॉरी, तुम कर्मी हो कि कांडी हो? मैं तो पांडी, तो तुम कभी जिंदगी में अच्छा नहीं करते किसी के लिए? मतलब मैं कगुट कांडी, नहीं, गुड कांडी क्या होता है? कांडी तो कांडी होता है। कांडी जरूरी है, अच्छी कांडी। आई हाँ एम दिस क्यूरियस अच्छा कांडी, कांडी, कांड का मतलब ये होता है कि जो सिर्फ कांड करता है, ठीक है? और तुम ये कह सर रहे हो कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक ही पिक कर सकते हो ना, तो मतलब तुमने जिंदगी में कभी कर्म नहीं किया है, तुमने किया जिंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं बट किया अच्छे है। कांडी। अच्छा कांडी तो होता ही नहीं है, इट इज गुड और बैड। भव्य अपने में फंस रहे हो तुम अब, ठीक है? मुझे मत चलाए करो, चला दूंगा मैं तुम्हें वापिस। क्या यार, ये क्या कर रहे हैं, बताओ ना, कर्म नहीं यार, जगाओ। मेरे हिसाब से जेन्युइनली आई एम बोथ। मैं कर्मी भी हूँ, मैं कांडी भी हूँ, जो मेरे साथ अच्छा करता है। वो तो मैं बेस्ट, बताता हूँ, देखो मेरे को यार, लग रहा है अगर बोलने पर का चलते हैं। गॉड, 5 मिनट्स वेस्ट। अगर मेरे साथ अनफेयर खेलेगा तो उसे भैंचोद अनफेयर ही हराऊंगा मैं आपने किसको इस सीजन में उनके कर्म वापस दिए? सबको, सबको एक्सेप्ट दिग्विजय। बस रिग्रेट करते हो आप कहीं ना कहीं? करते हाँ, हो? मेरे को लगता है ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो कोई भी ऐसा शो पे नहीं था जिसने मेरे प्रति कुछ गलत किया हो और मैंने शो पे ही उसे उसका जवाब ना दिया हो। ऋषभ हो गया, गैरी हो गया, प्रियंका हो गई, रूपा हो गई, कोई भी उठा के देख लो, मैंने हर किसी को जैसे को तैसा दिया है, ठीक है? इट वॉज ओनली दिग्विजय, बिकॉज आई डिड नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम, बिकॉज आई फेल्ट लाइक ही वॉज माई ओन। तुम नोटिस करना है, दिग्विजय ने काफी मेरे खिलाफ रील्स भी डाली है, पर मैंने एक भी रील नहीं डाली है कहीं पे भी, नहीं तुम देखोगे। क्योंकि अभी भी यार ऐसा हूं मैं यार, कि मतलब जिसको एक बार ही अपना मान लिया ना, फिर बिल्कुल वो नहीं होता भाई मेरे साथ। आपको मम्मी टास्क में रिया ने बोला था चीटर, राइट? हाँ एंड शी लैश्ड आउट ऑन यू, यस, सो व्हाट अबाउट दैट? लाइक आपको उस टाइम पे कैसा फील हुआ था? कुछ नहीं भाई, फर्क ही नहीं पड़ रहा था मुझे। मैं तब भी वही कर रहा था जो मैं कर रहा था। उन्होंने ये कहा कि ये जो कर रहे है चीटिंग है, पर मैं वही करता रहा, क्योंकि मेरे हिसाब से नहीं है वो चीटिंग, और टिल डेट मेरे हिसाब से नहीं है चीटिंग। मैं जो जो मर्जी कोई बोलता रहे, सोनू सर भी आके बोलते रहे, एमटीवी की टीम भी आके बोल दे, नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से जो है वो है। मेरे हिसाब से अगर एक रोल इतना इम्पोर्टेंट है तो दूसरा रोल भी इतना इम्पोर्टेंट होना चाहिए। आपको कैसा दिखाया है? भाई मेरे को जैसा हूं मैं दिखाया, बस ये है कि कुछ कुछ जगहें जहां पे उन्हें दिखाना चाहिए था मुझे और वो नहीं दिखाया, जैसे वो दिग्विजय वाली बात थी, और गैरी वाली भी तो बोल रहा आप। गैरी वाली भी। अरे नहीं, गैरी तो ऑफ कैमरा वाला सीन था ना यार, वो तो मुझे पता ही है कि वो स्विच थी पर्सनालिटी उसकी, हाँ वो नहीं है। वो है कि कहीं ना कहीं जो चीजें उन्होंने जो काटी है ना, वो दिखाते तो और लोगों को और मैं समझ में आता। बहुत बार उन्होंने मेरे को बहुत गलत भी दिखाया, तो मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है भाई, क्योंकि मैं अभी भी यही मानता हूँ कि वो चीटिंग नहीं थी, या अभी भी मैं यही मानता हूँ कि मैं वैसा ही हूँ। आपस में लड़ रहे हैं ना, तो वो देखेंगे लोग और वो फटके देखेंगे और वो बिकेगा भाई, क्योंकि हम तो ऑनेस्टली यार हम लोगों को नहीं जानते हैं जब लोग। आप बोल रहे हो कि ये बिकेगा, तो डू यू थिंक, तो आप ये बोलना चाह रहे हो कि दे वर फाइटिंग इंटेंशनली बिकॉज़ दे वांटेड टू सेल द शो नहीं, देन? अरे यार अब एक बात बताओ, तुम्हें पता है जब तुम्हारा शो चल रहा था स्प्लिट्सविला वाला, तुम्हें पता था कि जब तुम लड़ाई वड़ाई कर रहे हो तुम दिखोगे तो है ही, पर तुम क्या ये पर्पस से कर रहे थे कि मैं लड़ाई करूंगी सिर्फ मैं दिख सकूं सिर्फ इसलिए? दैट सिचुएशन कम्स अप लाइक दैट, यू गेट ट्रिगर्ड सो मच, यू फील लाइक आई वांट टू फक तुमने एवरीबॉडी, खुद ही आंसर दे दिया अपना। सो बट माय क्वेश्चन इज, डू यू थिंक दिस सीजन विल बी रिमेम्बर्ड? ऑब्वियस आंसर है। हाँ कोई कंटेस्टेंट है जो इस सीजन से, जैसे आपका, जब हम ये खोलेंगे रोडी, कर्म या कांड, ऐसा कोई आपको छोड़ के कोई ऐसा कंटेस्टेंट है जो कि हिस्ट्री बुक में जाएगा कि यार ये आया ये था है ना ना, होता? मेरे हाँ को लगता है इस बार ही काफी आए हैं, जेन्युइनली बताऊं एक बता दो,
नहीं काफी आया तो है, दो तीन बताना। चाहे मेरे को पसंद आए चाहे ना आए, पर लाइक चाहे मैं हूँ, चाहे ऋषभ है, चाहे गैरी है, चाहे दिग्विजय है, चाहे शिवित है, ये तो सारे ही हो सब गए, पांच तो लोग हैं भाई, क्या हो गया तुम्हें? दो तीन बोलो ना। नहीं यार, पर अगर जेनुअनली होते ना दो तीन, तो मैं दो तीन ही बोल देता। गैरी को भी आप इंक्लूड कर रहे हो? हाँ बिल्कुल भाई, क्योंकि यार अच्छा किया बुरा किया उसने, कुछ किया तो सही, और वो कहीं ना कहीं एक एक मार्क तो छोड़ा ना भाई कुछ भी, कि भाई आया था कम से कम फटा तो। अब जैसे और कितने कंटेस्टेंट्स आए, वो तो बिल्कुल ही नहीं दिखे, और उन्होंने अपनी बोल्ड पर्सनालिटीज नहीं दिखाई। अब चाहे तुम कोई भी हम पांचों में से उठा के देख लो, हर किसी को हम लोग एटलीस्ट समझ तो आ रहे कि कैसे हैं, समझ रहे हो? और मेन मुद्दा ही वही है कि लोग तुम्हें जान रहे हैं और तुम्हारी पर्सनालिटी समझ रहे हैं ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ आई कम टू दिस क्वेश्चन। डू यू थिंक, अब तो विनर पता चल गया हमें कौन है, डू यू थिंक ही इज अ डिजर्विंग विनर? नो, आई नहीं, फील लाइक जो फिनाले में गए हैं उनमें से कौन होना चाहिए था, पराक्रम होना चाहिए था विदाउट अ डाउट मेरे को। है हाँ ना? आई वाज अ फील आई है। अब हम हमारे इंडिया, यार, मैं लोगों को, अब मेरे पास लोग आते हैं ना, सोचो अभी तो ये बोल रहे रोडीज वगैरह, अभी जब थोड़ा टाइम हो जाएगा अब लोग विनर से याद रखते हैं, अब सोचो कोई मुझे आके ये बोलेगा कि हिमांशु तुम उस सीजन से, जिस सीजन में वाशु जीता है, क्या बेइज्जती वाली बात है बट बताओ मुझे नहीं यार। लगता लोग ये बोलने वाले हैं कि हिमांशु तुम उस सीजन से हाँ हो, हाँ जो मैं बाबा में वैसे वाशु ने बात सब कर रहा भूल हूँ जाएंगे। कि ऑन द बुक्स ऑन द रिकॉर्ड तो ये होगा ना कि हिमांशु जिस सीजन में था उस सीजन में वाशु जीता है, गॉट तो वो वाली बात है। इट। ओके, आपको स्प्लिट्सविला करने का कोई प्लान है क्या? है ऑडियंस तो आई एम डैम श्योर दे वांट टू सी यू इन स्प्लिट्सविला। व्हाट इज द सीन? ब्रो आएगा कॉल तो ऑब्वियसली करोगे। हाँ, जैसे अब तुम्हें भी पता है स्प्लिट्स विला के लिए खुद से ही आता है कॉल, तुम ऑडिशन नहीं देते हो, वो खुद से लोग ढूंढते हैं जो उन्हें चाहिए, फिर उन्हें बुलाते हैं, तो हाँ आएगा बिल्कुल करेंगे। अगर मैं तो सोच रहा हूँ बिग बॉस भी आएगा बिल्कुल करेंगे, बट दैट अगेन जैसे मैंने तुम्हें ये बताया ऑफ कैमरा भी कि यार मेरे हिसाब से ना मैं बार बार, एक बार ही अगर आ गया करूंगा, पर अगर नहीं आएगा तो फिर मैं ट्राई नहीं करूंगा उसके अंदर, मैं अपना काम करूंगा। इसने मतलब शर्त लगाई है ये गाइस, हाँ लिटरली हाँ कि है भाई ना अपने अंदर, इंसान। मेरे को लगता है मेरे को ना मेरे अपने अंदर बहुत विश्वास है, अपने हार्डवर्क पे बहुत विश्वास है, बिकॉज लाइक यू सेड इन योर वीडियो कि आई एम अ ट्रू हसलर, तो भाई मेरे को लगता है कि तुम ऐसी कोई चीज है ही नहीं कि जो तुम पा ना सको, और अगर सिर्फ फेम की ही बात है, सिलसिला से क्या मिलेगा, फेम ही मिलेगा, अपने हसल से ले लूंगा भाई मैं, क्या पता मैं उससे पहले किसी मूवी में आ जाऊं, क्या पता उससे पहले मैं किसी सीरीज में आ जाऊं। So, Himanshu, we've covered all the questions. I have this question, which was given to me by a fan page. I always, like, in the last, I always take one question from the fan page. So, this fan page is not yours, by the way. किसका है? वो क्यों जानना तुम्हें? Okay. अरे वैसे ही वो Questions. तो पता करवा लिया जाएगा, मैं ऐसे भी देख के बता सकता हूँ, बताओ। अभी रुक जाना थोड़ा देर. Questions from a fan. समांथा नाम है इनका, पहले इनको हाय बोल लो. हाय सुमांथा, इनका पहला क्वेश्चन ये है, हु इज योर फेवरेट गैंग लीडर? फटाफट फटाफट, रैपिड क्वेश्चन बनाया इन्होंने आपके लिए. रैपिड क्वेश्चन बनाया है, हाँ, फेवरेट गैंग लीडर मेरे होंगे रिया मैम। कितना सही खेल रहा है अगला. ओके, मुझे बेस्ट फंसाओगे तुम, हैं बेटा, इतने बड़े हो गए हो। हम भी खेल गया है. बहुत बेस्ट हाँ फ्रेंड्स इन रोडीज. पियू, रीजन बिहाइंड हिज फाइट विद आशिका आफ्टर द शो, बिकॉज बोथ हिमांशु एंड आशिका हैव टॉक्ड अबाउट देयर फाइट इन द ब्रॉडकास्ट चैनल. डिड यू? आई डिड नॉट टॉक अबाउट इट, बेसिकली ऐसे था कि मैं क्यों नहीं थी? सो मे बी ही विल आंसर दिस टू. अब ये तुमने करी ना अच्छे से रिसर्च, फिर अरे तो मैं ब्रॉडकास्ट चैनल में थोड़ी ना जाऊंगी यार. यही तो होता है, अरे डेप्थ में भाई, नो घुसना पड़ता है नो 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 इंसान नो 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 नो, की। ये डेप्थ इतना है, मैं बता दूं ऐसे प्लीज. हाँ अरे तो कुछ नहीं यार, सिंपल सी बात थी कि एक ना लाइफ पे जो शिवित ने बोला था कि वो वाशु गले फेंक के ये सब, तो मैंने अपने उस पर डाला और मैंने लिखा कि दिस इज व्हाई यू नेवर ट्रस्ट समवन इन अ रियलिटी टीवी शो, तो मैं अपनों की तरह वो बात शेयर कर रहा था जो शिवित ने बोली थी अपनी लाइफ पे, उसकी क्लिप थी एक रील पे किसी ने डाली हुई थी वो, और फिर उसका मेरा नेक्स्ट मैसेज ये था एग्जैक्टली, मेरी वर्डिंग्स यही थी कि एंड द आयरनी बिहाइंड इट इज दैट आई आस्क्ड हर अबाउट दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट एंड शी लाइड आशिका विच इज लाइड. ट्रू। या ओके, हाँ तो उसके बाद भाई आशिका को पता लगा ये, तो उसने मुझे फोन किया साथ के साथ ही कि भाई तूने क्यों डाला है ये सब भाई, उल्टा सीधा बोल रही है भाई कि मेरे को किसी ने तेरे बारे में ये बोला था ये बोला था। मैंने यार सिंपल सी बात है, देखो मैंने तुम्हारे बारे में ना कुछ गलत नहीं बोला, वो तुम्हारे दोस्त ने बोला है जो मैंने अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे डाले, पर नंबर आपने वन, क्यों डाला फिर? क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार मेरे को मेरी फैमिली लगती है, वो मेरे को जो दिल में आता है वो मैं शेयर करता हूँ, मैं सिर्फ ये नहीं है, मैं और रैंडम चीजें अपने दिन की शेयर करता हूँ उस पर,
मेरा जो दिल में आता है वो मैं सब अपना खुल के रखता हूँ बाहर। लौटना चाहूंगा, बट हाँ आपने आई वॉन्ट टू सुनना पॉज इट सुन। एक बार, हाँ मेरे बताओ। दिमाग में एक क्वेश्चन है आपको लेके। आपने स्टार्टिंग में ये बोला था कि आशिका और आपकी लड़ाई इसलिए हुई थी क्योंकि आप ज्यादा मैसेज नहीं करते, टेक्स्ट नहीं करते, बट आप इंस्टाग्राम पे ब्रॉडकास्ट मैसेजेस के अंदर सब कुछ शेयर करते हो, हाँ तो वो भी तो क्या, कर रहे हो ना आप, बट लाइक यू हैव टाइम फॉर दैट आल्सो ना। तो मैंने कब कहा कि मैं बहुत ऑफनली करता हूँ? अच्छा, मैं आपने भी बोला सब कुछ करता हूँ मैं मैंने सोशल कहा मैं मीडिया, जो दिल में है वो रखता हूँ उस पे बाहर, ठीक है समझे, तो चाहे तुम 10 दिन में एक बार करो, चाहे 2 दिन में एक बार करो, तो दिल से आपने वो मेरे बाहर लाइव है वो वहां पे रखो। जाके डाल दी। बाकी बिसाइड दैट उसके बाद ये हुआ कि आशिका ने ना मेरा पूरा करा कैरेक्टर असैसिनेशन, मतलब एक लंबा सा पैराग्राफ भेजा जिसमें हजार चीजें बोली कि भाई तू तो ऐसा है, मेरे को लोगों ने तेरे बारे में ऐसा बोला है, कि तूने मुझे शो पे यूज किया है। आशिका ने बोली ये बात मुझे, और वो पैराग्राफ इसने हमारी चैट का स्क्रीनशॉट लिया, मेरा आंसर भी नहीं सुना, और उठा के पेला अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे। मुझे अभी भी बहुत सी बातें पता है जो अगर मैं बोलूं तो वो बहुत गलत लगेंगी और उसके ऊपर जाएंगी वो, ठीक है, पर मैं नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि उसका इमेज या उसके कैरेक्टर बट खराब दिखे, ठीक है। हैज शी डन समथिंग लाइक दैट, इफ समथिंग कम्स आउट दैट कैन हर्ट हर कैरेक्टर, मतलब हाँ उसको ब्रो, ये ऑब्वियस ही है यार, अब जैसे जो देख रहे होंगे या जो सोशल मीडिया पे करेंगे वो कहीं ना कहीं फिगर आउट कर लेंगे, बट वही वाली चीज है कि आई डिड नॉट वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट शिट होल, कि मैं जो लोग उसको उल्टा सीधा बोल रहे हैं मैं उनमें से एक बन जाऊं, मैं नहीं चाहता था। मैं कहीं ना कहीं अभी भी उसको फिर भी शेल में रखा, और जब उसने वो पूरा मेरे कैरेक्टर असासिनेट करके अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे डाला, मैंने तब भी अपने उसके अंदर यही डाला वापस उसका, अपने मतलब एज अ रिप्लाई अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे यही डाला, दैट आई स्टिल नो लॉट ऑफ थिंग्स, आई स्टिल हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू से दैट कुड पुट डाउन हर इमेज, बट आई वोंट डू दैट बिकॉज दैट इज नॉट मी। perfect, that was it Himanshu, thank you for doing this, I had a blast honestly, I had so much to learn from you, you're very Oh, inspiring, so sweet. yeah, and I truly believe that you have a long way to go honestly Yeah. speaking, and हमारी मुलाकात ऐसी इंटरव्यूज में होती रहे, आप एक और रियलिटी शो कर लो फिर एक और इंटरव्यू लेके क्यों आऊंगा, ठीक है, रियलिटी टीवी शो की यार, क्या पता आप मूवी करें यार, सीरियल करें यार, काम करें, रियलिटी टीवी सुनो शो तक एक्चुअली दुनिया खत्म थोड़ी होती है। अब क्या आई पता मैं इसके बाद एक पॉडकास्ट चैनल खोल लूं जहां पे ये मूवी करके आ रही हूं, क्या मूवी पता। नहीं क्या पता ना भाई, तुम्हें 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 नहीं पता ना, क्या पता भगवान ने तुम्हारे लिए क्या लिखा है, तुम कर्म करते रहो बस, अपने मॉरल्स और एथिक्स पे पक्के रहो बस। हिमांशु हैज स्पोकन गाइस, दिस वाज बाय। इट गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग, नेक्स्ट वीडियो ड्रॉपिंग नेक्स्ट वेडनेसडे, बाय।